तो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है वापस एक बार इस नए नए चमचमाते पॉडकास्ट के ऊपर, जिसका नाम है एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो आज के इस एपिसोड की हमारी गेस्ट रहने वाली है परिणीता पवार। शी इज अ वेल अप्रेज्ड, वेल अक्लेम्ड डांसर। आई फील शी इज अ वेरी गुड डांसर, शी इज अ वेरी गुड पर्सन टू टॉक टू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू आस्क यू परिणीता, तुझे कैसा लग रहा है इस पॉडकास्ट पे आके? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू कि इतना अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन दिया। आई एम फ्रॉम कल्याण एंड हम दोनों की मुलाकात हुई थी विल्सन कॉलेज में। सो उधर से इसको मैं मिली और फिर जब समझा कि ये बहुत अच्छा दोस्त है तो फिर मुझे भी लगा कि हाँ, इसके साथ पॉडकास्ट करना चाहिए। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तेरे पॉडकास्ट पे आके फाइनली आज पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है हमारा। मैं भी लाइक बहुत दिनों से चाहती थी पॉडकास्ट करूँ तेरे साथ, बट वो हाँ ना करते करते हो गया आज फाइनली। सो यस, आई एम वेरी हैप्पी। तेरा कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक? इट्स बीन 4-5 months नाउ, 4-5 महीने हो चुके हैं अभी कि हमारा स्केड्यूल टाइप बन गया। और कॉलेज में ऐसे मराठी में बोलते हैं वावर झाला है आपला कॉलेज मध्ये आता। तो ऐसे मतलब ऐसे तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है 5-6 महीने में? और जो भी अलग अलग मतलब काइंड ऑफ सबऑर्डिनेटिंग एलिमेंट्स रहते हैं कॉलेज लाइफ के, जैसे ट्रैवल हो गया, खाना हो गया, फ्रेंडशिप्स हो गई, और ऐसे मतलब अलग अलग जो मतलब चीजें जुड़ती चली जाती है इस एक्सपीरियंस में, वो कैसी थी तेरी अभी ये 6 months में? एक्सपीरियंस वॉज द ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ व्हेन आई एंटर्ड इन विल्सन कॉलेज। एंड जब मुझे समझा कि 10th के बाद फॉर्म वगैरह भर के और मेरे लिस्ट में वो विल्सन कॉलेज आया था, आई वॉज वेरी हैप्पी। और घर पे भी फिर माहौल एक चेंज हो गया कि हाँ, अभी एक लड़की ट्रैवलिंग करना तो फर्स्ट सीखेगी। ट्रैवलिंग में तो हम दोनों उसमें बहुत ज़्यादा सूट होता है ये टॉपिक हम लोगों के लिए ट्रैवलिंग का, क्योंकि जो हम लोग इतना ट्रैवल करके आते हैं, बट हाँ उधर जाके अच्छा एक फाइनल एक लगता है यार, नहीं तो ट्रैवलिंग कर रहे वगैरह सब अच्छा सक्सेसफुल हो रहा है रोज के लाइफ में। रोज अच्छा अच्छा ट्रैवलिंग करके आते हैं, थकते तो है, बट वो कॉलेज जाके तो एक अलग माहौल रहता है, एटमॉस्फेयर रहता है, उसकी वजह से वो थकान वगैरह सब भूल जाते हैं। और फ्रेंडशिप देखा गया तो भी तेरे जैसा इतना अच्छा फ्रेंड मिला और बाकी का जो अपना ग्रुप है, तो मतलब लगा नहीं था कि विद इन मंथ, हाफ मंथ में ही इतने हम लोग की फ्रेंडशिप हो जाएगी अच्छी। एंड फिर एक रहता है एक फ्रेंड्स के लिए कॉलेज आना, तो वो स्टार्टिंग में मैं सोच के आती थी हाँ, अभी इतना अच्छा ग्रुप बन ही गया तो थकान वगैरह रहने देते हैं बाजू में, ट्रैवलिंग करना है ठीक है, बट इट इज वर्थ इट। आई गेस आई विल से इट्स वर्थ इट। एंड गोइंग टू विल्सन कॉलेज टू स्टडी एंड हैविंग फ्रेंड्स लाइक यू, वो तो और ही टोटली ज्यादा वर्थ इट है। स्टडीज के मामले में एकेडमिकली एक्सपीरियंस कैसा था तेरा? 2-3 months तो इतना कुछ आई डोंट थिंक सो हम लोग का कुछ रहा है। आई थिंक ये तू भी रिलेट कर सकता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड बाकियों के भी अपने जो है बाकी के सब लोग। बट हाँ, स्टडीज के मामले में उधर आके एक समझा नहीं, अभी एक कुछ तो अच्छा फोकस रखते हैं, इतने बड़े कॉलेज में जा रहे सीखने को, और अच्छा कुछ तो वर्थ इट रह सकता है और कुछ तो अच्छा अचीव करना है, क्योंकि उधर जाके फ्रेंडशिप प्लस वो मजा मस्ती तो है ही, बट उसके साथ साथ समझा कि नहीं, स्टडी में और थोड़ा एक स्टेप आगे जाते हैं हम लोग और अच्छा फोकस रखते हैं हमारे लाइफ में एंड अच्छी चीजें लेते हैं कॉलेज से। अगर हम लोग को इतना अच्छा मिल रहा है सब जगह से, हम लोग को अच्छा इतना कॉलेज भी प्रोवाइड हो रहा है और सब स्टडी के मामले में भी सब टीचर्स अच्छे हैं या फिर ओवरऑल कॉलेज का सब जो आता है, तो हम लोग उससे अच्छा लेते हैं और अचीव करते हैं। तेरा नॉर्मली ट्रैवल टाइम इज वेरी वेरी सेम टू जितना मेरा ट्रैवल टाइम रहता है, क्योंकि तू कल्याण में रहती है। तो करेक्ट करनी रोड से कल्याण एवरी डे तू ट्रैवल करती है, और मेरा भी सेम रहता है। आई ऑल्सो ट्रैवल फ्रॉम चरनी रोड टू खारघर। तो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि फर्स्ट 2 महीने में मैं कॉलेज आने के रीजंस वही रहते थे कि आज कुछ तो नया देखने को मिलेगा, एटलीस्ट ट्रैवल करने में। और पढ़ाई के मामले में भी टीचर्स कुछ ना कुछ नया नया बताते थे, कुछ अच्छे टॉपिक से थोड़ा हटके कुछ अच्छा शेयर करते थे। तो वो चीज के लिए बहुत एक्साइटमेंट ऐसे रहती थी। और उसके लिए कॉलेज जाने में ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग और ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, इमोशनल टाइप हो जाते थे सब लोग के लिए। आज आपको जाना ही पड़ेगा कॉलेज, कुछ नया मिलेगा, कुछ अनोखा मिलेगा ऐसे। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन स्टार्टिंग के मंथ्स थे तो फिर आई वाज लाइक, जब डे डे वन का तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, पहले दिन में ही थक गई थी मैं, तो मुझे लगा कि अभी ये पूरा इतने अभी 11th 12th दोनों निकालना है विल्सन कॉलेज में, तो कैसा
होने वाला है, क्योंकि मेरे को तो लगता था कि नहीं आज का फर्स्ट डे था, मैं तो आज गई मतलब ट्रैवलिंग में, तो क्योंकि कल्याण से परे लाके ट्रेन लाइक ट्रेन चेंज करने का रूट पूरा अलग पड़ता है, और कभी टाइम पे पहुंचेंगे क्योंकि आई एम नॉट ऑन द टाइम पर्सन, हमेशा ट्रेन के लिए लेट और भागना वगैरह। तो पहले लगा था कि नहीं ट्रैवलिंग में तो आधी थकान होने वाली है और स्टडीज तो कुछ होने नहीं वाला है, बट जैसे जैसे मुझे फर्स्ट फर्स्ट डे मेरा अच्छा गया, उल्टा देखा गया, एंड फिर उसमें समझा कि नहीं कुछ तो अलग है, इधर आने के बाद कुछ तो अलग फील होता है, कुछ तो अलग एटमोसफियर है सबका, टीचर्स भी नया 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 सिखाते हैं और हर दिन नया, क्योंकि एक स्टार्टिंग में जब हम लोग कॉलेज गए थे तब वो टीचर्स लोगों ने भी हम लोग को थोड़ा ऐसे हल्का लिया था कि नहीं अभी जस्ट बाबा स्कूल से पास आउट हुए ये बच्चे, थोड़ा इनको कॉलेज का रियल वाला मजा दिखाते हैं, तो मुझे वो बाद में पसंद आने लगा, एंड देन आई वॉज लाइक कि नहीं चलो, एंड इसलिए हर दिन कॉलेज आने के बाद हर दिन कुछ तो नया सीखना, कॉलेज में आके फ्रेंड्स लोगों से भी जरा दो चार अच्छी चीजें प्लस बाकी की भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें सीखने को मिलती थी, और ऐसे लगता था कि नहीं जाना चाहिए। पहले तो मैंने सोचा था इंटीग्रेटेड लूंगी, इतना कुछ ट्रैवलिंग वगैरह मेरे से होने तो नहीं वाला, बट अभी लगता है कि नहीं इट्स टोटली वर्थ इट टू कम टू कॉलेज एंड हैव फन विथ यू ऑल गाइज। लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की तू बात कर रही थी, तो लाइक हमारे कॉलेज में इन फर्स्ट मंथ और सो हाँ ना, लाइक 1 महीने में ही हम लोग के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज शुरू हो गए थे। लाइक मराठी का पहले फर्स्ट प्रोग्राम वॉज मराठी मराठी क्लब का कोई तो प्रोग्राम था, उसके बाद लाइक अलग अलग साइकोलॉजी लाइक इकोनॉमिक्स वगैरह के भी प्रोग्राम हुए थे, और उसमें हम लोग को फिर सेकेंड या थर्ड प्रोग्राम से हम लोग को पार्ट लेने के लिए देवे, लाइक ओके अभी अभी तुम लोग पार्ट लेना शुरू करो एज लाइक FIJC के स्टूडेंट्स। और लाइक उसमें तू मतलब इंडल्ज होने में बहुत ज्यादा फास्ट थी तू। लाइक मुझे एज लाइक रिदेश बहुत टाइम लगा था, क्योंकि फर्स्ट जब सीनियर्स हम लोग मिले थे और लाइक टीचर्स ने ऐसे बोला था क्लास में आके कि लाइक प्रोग्राम है तुम लोग इन्वॉल्व हो, लाइक ऐसे मतलब उन्होंने बताया था ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, हमारा कॉलेज काइंड ऑफ फेमस है हमारे प्रोग्राम्स के लिए, तो तुम लोग को हल्के से रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तो ऐसा डर लगा था थोड़ा सा। पर जब लाइक ऐसे सेकेंड या थर्ड मीटिंग हुई लाइक सीनियर्स के साथ ऐसे बात बात करके, तो ऐसा समझ आया कि ये बहुत चिल रहता है, ये सब ऐसे करेक्ट इंटरेस्टिंग क्रिएटिव लोग रहते हैं जो अपने फ्लो में लाइक अच्छा या बुरा ऐसे सोच के नहीं करते, लाइक वो उनके साथ ही हो जाता है, लाइक मतलब क्या बोलते अच्छा ही होता है उनके साथ, लाइक ऐसे मतलब सोच के अगर हम लोग बहुत करते हैं तो कभी कभी कॉन्शियस हो जाते हैं और लाइक मिस्टेक्स कमिट कर देते हैं हम लोग बहुत राइट ज्यादा। राइट राइट नहीं, एंड जब समझा था कि स्टार्टिंग के इसमें जब एंटर करने वाली थी कॉलेज, तो एक ऐसे किधर से तुझे आया था सुनने को कि नहीं फेस्ट वगैरह बहुत रहता है, एंड वो सुन के ही मैं खुश हो गई थी। तो फिर जब फर्स्ट 2 मंथ्स लाइक थोड़े ऑलमोस्ट हो गए, तो सेकेंड मंथ के लास्ट में थोड़ा मुझे याद है जब मराठी का फर्स्ट हम लोग का सबसे पहला प्रोग्राम था, कुछ तो कविता सम्मेलन या कुछ तो था, एंड फिर उसके बाद मैम ने बोला कि हाँ सिर्फ मराठी मैम ही नहीं, ऐसे बहुत सारे अपने साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स इवेंट वगैरह अभी जो भी हुए, तो उसमें जब मैम आते थे एंड बोलते थे कि हाँ अभी इसमें लो, टू बी वेरी फ्रैंक मैं स्टार्टिंग में खुश तो थी, हाँ परफॉर्म करने कुछ तो मिलेगा अभी कुछ तो होने वाला है, बट उतना ही डर भी लाइक लगता था कि हम लोग इन्वॉल्व होंगे या नहीं इन लोगों में, या फिर वो लोग लाइक प्रैक्टिस सेशन के टाइम कैसे हम लोग से करवाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ सीनियर्स ही सब लोग हैंडल करते हैं 12th वाले या फिर 12th के ऊपर के। उस टाइम गई मैं एंड मैम ने बोला या यू हैव टू परफॉर्म, डर लगा बट बाद में परफॉर्मेंस के बाद का जो था फीलिंग, तो आई वाज लाइक नहीं कर सकते अभी ये तो होने वाला है, ये मेरा लाइक पर्सनली था। पहले 2 मंथ के बाद जब हम लोग को परमिशन दी थी कि नहीं FIJC के भी 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को भी ले सकते हैं, तो उस टाइम आई वाज लाइक कि या आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू, एंड फिर वो उधर जाने के बाद समझा कि नहीं प्रैक्टिस सेशन में भी ये लोग लाइक मस्ती मजाक भी चलता है, प्लस प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, एंड फिर परफॉर्मेंस के गाइडेंस बहुत रहता है इन लोगों का प्रैक्टिस सेशन में भी, प्लस जब परफॉर्मेंस डे आता है इवेंट का डे आता है तब भी इन लोगों का एक सब अरेंजमेंट एंड वो सब देख के मुझे लगा नहीं करना चाहिए अभी सब, एक एक जो भी छोटा छोटा मोटा इवेंट जो भी हो कॉलेज का सब पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे हमें मुझे भी एक्सपीरियंस आएगा एंड जो मेरे को चाहिए लाइक आगे का जो भी मेरा थिंकिंग है उसके लिए। तो फिर या इट वॉज वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ माइन व्हेन दे केम एंड दे टेल टोल्ड अस कि हाँ 11th स्टैंडर्ड के बच्चे कर सकते हैं, तो फिर आई वाज लाइक कि चलो अभी कुछ तो स्टार्टिंग हो गया है, आगे कि इससे और डबल कुछ तो अच्छा आने वाला है, तो स्टार्टिंग ही मेरी अच्छी थी।
मेरा भी वही था लाइक मतलब फर्स्ट 5 मिनट के लिए जब हमारा मीटिंग शुरू हुआ मैं ऐसे एकदम शांत सा एकदम सुशील सा ऐसा बच्चा बन के साइड में बहुत कोने ज्यादा में बैठ के सुशील देख सा रहा बच्चा, था मैं। बहुत ज्यादा. नहीं क्योंकि लाइक कॉलेज जब शुरू हुआ लाइक फर्स्ट वीक वगैरह में मेरा कॉलेज में इंप्रेशन काइंड ऑफ लाइक इंप्रेशन नहीं पा लाइक ऐसे पर्सनैलिटी बोलते हैं ना कि लाइक मतलब ऐसे लोग समझने लग जाते हैं कि ये पर्सन तो ऐसे ही बात करता है ऐसे ही रहता है इसका ये मतलब ऐसा ही है इन इन दैट मैनर राइट. आई एम ट्राइंग टू टेल। तो लाइक वैसा मेरा इंप्रेशन टाइप गिर गया था कि लाइक एकदम ऐसा शांत सा है सुशील सा बच्चा है लाइक ये बहुत गिरा था. मतलब पहला मराठी मैम ने जब इंट्रोडक्शन सब दे रहे थे क्लास में, तब तेरा इंट्रोडक्शन हुआ था, तो आई वाज लाइक कि नहीं, ये जरा ज्यादा ही लाइक मेरे, मुझे तो फर्स्ट डे तो ऑब्वियसली था, मेरे को तो डर लग रहा था. नहीं, फर्स्ट डे पे नहीं हुआ था हम लोग का मराठी लेक्चर, सॉरी, सेकंड या थर्ड डे पे हुआ था. फर्स्ट डे पे हम लोग का मराठी लेक्चर कैंसिल था कॉलेज का. बट जब मैम सबका इंट्रोडक्शन ले रहे थे और जब मैम तेरे पास आए, आई वाज लाइक ये कुछ तो अलग है, मतलब इसका ये शायद से बहुत पढ़ाकू है, जमेगा नहीं, मेरे को तो लग रहा था. बट बाद में एक दूसरे के वाइब्स मैच हुए, लाइक नहीं, ये तो अपने जैसा ही है पूरा पूरा, मस्ती भी प्लस स्टडीज भी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिव चीजें भी, जैसे ये तेरा पॉडकास्ट या फिर मेरा समथिंग एल्स, जो हम लोग की नॉर्मली बातें होते हैं कॉलेज में, तब एक दूसरे का जब वाइब मैच हुआ तो आई वॉज लाइक क्या, चलो कोई तो है अच्छा खासा, कोई तो मिल गया. फर्स्ट लाइक 5 मिनट में मेरा वही इम्प्रेशन था कि लाइक ये मतलब ऐसे शांत सा बच्चा है कुछ बोलेगा नहीं ज्यादा। एंड आफ्टर 5 मिनट जब ऐसे मैंने देखा कि ओके मतलब ये लोग एडजस्टेबल है थोड़े फ्लेक्सिबल है कुछ अगर मैं जाके सजेशन दे देता हूँ तो ये सुन सुन लेंगे लाइक सीनियर्स और या वेरी टीचर। करेक्ट. एक हम लोग का फर्स्ट मीटिंग हुआ था शायद से इको के प्रोग्राम के टाइम पे। एंड अभी लाइक फर्स्ट 5 मिनट के लिए मैं फुल एकदम शांत था कि लाइक ये सीनियर क्या बोल रहा है कैसा है लाइक मतलब ऐसे दूर दूर से देखा था तभी सीनियर्स को लाइक एक बहुत कम समय हुआ था लाइक 2-3 हफ्ते ही हुए थे कॉलेज को। और लाइक ऐसे मतलब ऐसे डरे डरा डरा सा था ऐसे डरा डरा नहीं नॉट कम्प्लीटली डरा हुआ पर लाइक ऐसे हल्का क्या बोलते एंजाइटी टाइप था कि या डायरेक्टली राइट, जाके कैसे बात करूँ। और क्योंकि वो फिर सब हम लोग का जब न्यू था, इसलिए हम लोग को वो थोड़ा टेंशन टाइप किया, हम लोग जो बोलेंगे मैम या फिर वो जो सीनियर है उसको पटेगा नहीं पटेगा. बट जैसे समझा हाँ इन लोग को सब हम लोग का अच्छा लग रहा है, तो फिर हम लोग फुल ऑन, फिर हम लोग का चालू ही हो गया फिर सब लोगों से अटैचमेंट एंड ऑल दैट स्टफ. हाँ उसके बाद लाइक मतलब सारे प्रोग्राम्स में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और राइट लाइक राइट. जो तू बोल रही थी कि लाइक प्रोग्राम के परफॉर्मेंस के बाद जब लाइक ऐसे काइंड ऑफ एप्रिसिएशन मिलता है और लाइक ऐसे राइट. ऑडियंस को खुश देखते हो तुम तो लाइक और ज्यादा अच्छा लगता है कि ओके मतलब कोई तो है जो ऐसे रिकग्नाइज कर रहा है कि मैंने आके यहाँ पे अभी इनके 5 मिनट के परफॉर्मेंस में या फिर 10 मिनट के कोई प्रेजेंटेशन में मैंने अपना एक पार्ट दिया लोगों को अच्छा लगा उन्होंने बाद में आकर एक टीचर्स ने और लाइक ऑडियंस में से भी किसी ने लाइक मेरे को कुछ अच्छा 4-5 बातें बोली कि लाइक ये ऐसा था वो मुझे वैसा बोली था थी बहुत फनी पर्सनली जब लगा मेरा परफॉर्मेंस था. राइट राइट राइट. लाइक हिस्ट्री मैम हम लोग की बेस्ट है ये ऐसे या अप्रिसिएशन करने में लाइक वो ऐसे प्रोग्राम के टाइम पे नाम लिखने लग जाती है जो लाइक उनको जेन्युइनली अच्छे लगते हैं जिनके परफॉर्मेंस। और लाइक फिर ऐसे प्रोग्राम के बाद वो लाइक प्रोग्राम के बाद वो ऐसे करेक्ट. बताती है एंड आके जब कि मुझे लाइक समझा कि हिस्ट्री की मैम ये सब करती है, माय फर्स्ट रिएक्शन वाज लाइक अभी तो क्या पता ये क्या बोलेगी, अच्छा बोलेगी, ऑब्वियसली अच्छा बोलेगी, बट हम लोग का जो सो कॉल्ड उसके बारे में थोड़ा सा है दिमाग में, तो इसके हिसाब से मुझे लगा कि अभी क्या पता नहीं सकते कि ये क्या बोलने वाली. बट जब मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ कॉलेज में, एंड व्हेन शी केम एंड लाइक शी वाज लाइक कि यू रियली स्टार्टेड द प्रोग्राम विथ योर वेलकम डांस वेरी वेल एंड गॉड ब्लेस यू एंड ऑल दैट स्टफ, सो आई वाज लाइक कि लाइक कुछ तो अच्छा अप्रिसिएशन मिला, तो अभी इससे ही शुरुआत हुई है, तो आगे जाके तो डेफिनेटली कुछ तो अच्छा होने वाला है, अभी इस कॉलेज में है तो डेफिनेटली ही अच्छा होगा, नो डाउट अबाउट दैट. मेरा हिस्ट्री मैम का लाइक फर्स्ट ऐसे क्या बोलते हैं मैंने एज अ पर्सन हिस्ट्री मैम को बहुत स्ट्रिक्ट समझा था लाइक उनके क्लास के टाइम पे स्ट्रिक्ट इन द सेंस लाइक मतलब ऐसे दिखाने के लिए शी इज एकदम ऐसे शांत से और लाइक आराम से बात करती है पर लाइक शी इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट ऐसा था। पर लाइक वो नहीं है शी इज वेरी वेरी काइंड ऐसे शांत से बात करती है वो सबके साथ और लाइक समझ के लेती है किसी की बात लाइक सबकी बातें किसी की नहीं सबकी बातें लाइक वो आराम से समझ के लेती है फिर लाइक ऐसे अपना रिप्लाई देती है। और उनकी लाइक बात करने की स्टाइल बहुत ज्यादा प्यारी अलग है। है. मेरा लाइक प्रोग्राम के लाइक मतलब फर्स्ट मैंने जो परफॉर्मेंस किया था इको के प्रोग्राम में जैसे मैं बता रहा था लाइक इको के प्रोग्राम में मैंने वो दारू पिया हुआ लाइक आदमी का परफॉर्मेंस हाँ किया था लाइक राइट. प्रेजेंटेशन के टाइम पे मैं इतना ज्यादा कॉन्शियस था लाइक मतलब एक तो मैम लाइक क्या हुआ मैम थी वो प्रोग्राम के पहले लाइक
शी वॉज लाइक कि मैं 50-50 हूँ कि तुम लोग ये परफॉर्मेंस कर पाओगे या नहीं, क्योंकि एक तो अलग से स्किट हो रहा है, तुम लोग का हाँ प्रेजेंटेशन, और वो प्रेजेंटेशन के बीच में तुम ये एक्ट टाइप कर रहे हो लोगों का राइट लाइक राइट राइट अटेंशन लेने के लिए। आई वाज लाइक मैम ये अटेंशन के लिए है, इसमें ना मैं कुछ गाली बोल रहा हूँ, ना मैं कोई लाइक वल्गर किसी मैसेज को प्रमोट कर रहा हूँ। राइट मैम इज राइट लाइक राइट स्टिल, पर लाइक ऐसा कोई ड्रंक पर्सन का एक्ट करने में लाइक थोड़ा थोड़ा वियर्ड लगेगा, क्योंकि तुम लोग इकोनॉमिक्स का एक तो कर रहे हो, और फिर लाइक पॉल साइंस वाले इसमें भी था, लाइक इको के प्रोग्राम में मैम का लाइक वही रिएक्शन था कि लाइक एक तो पहले तुम हिस्ट्री मैम को पूछ के आओ, क्योंकि वो सुपरवाइजर है, अगर वो हाँ बोलती है तो तुम प्रोग्राम करो। और मैंने लाइक परफॉर्मेंस के 1 या 2 मिनट पहले ही जाके हिस्ट्री मैम से पूछा था कि लाइक मैम कैन वी डू दिस लाइक ड्रंक पर्सन का छोटा सा ही एक्ट है, 1-2 मिनट का ही है, जस्ट टू गेट देयर अटेंशन। मैम इज लाइक यू डू एनीथिंग, लाइक आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन अनलेस इट्स लाइक समथिंग वल्गर और इट्स समथिंग दैट कैन प्रमोट अ बैड या मैसेज। करेक्ट आई वाज करेक्ट लाइक या मैम बैड मैसेज तो नहीं है, लाइक इकोनॉमिक्स को ही लाइक पॉवर्टी था हम लोग का, लाइक रिलेट गरीबी, कर वाला हाँ उसको रिलेट करके ये एक्ट में डालने वाला। मैम इज लाइक ओके करो, और फिर लाइक परफॉर्मेंस हुआ, परफॉर्मेंस लाइक दो दो सेक्ट में हुआ था, लाइक फर्स्ट एक्ट था जो स्टार्टिंग में था पीपीटी के, और एक एंड में हुआ था। तो लाइक एंड वाले के बाद मैम ने ऐसा लाइक राइट खुद राइट के रैली ताली बजाई बंद थी, और मैम बहुत हंस रही थी लाइक कर दोनों एक्ट्स के टाइम पे, और लाइक उससे काइंड ऑफ ऐसे क्या बोलते हैं ऐसा दिलासा मिला कि ओके इसका कोई बैड इंप्रेशन नहीं गिर गया। और लाइक तेरा भी डांस, तेरे भी जो डांस के परफॉर्मेंसेस थे वो बहुत सही थे, लाइक उस दिन इको के प्रोग्राम में थैंक तूने यू इंट्रो के डांस किए थे। इकोनॉमिक्स का जो था, हाँ इंट्रोडक्शन लाइक वेलकम डांस सबसे पहला डांस मेरा था एंड दैट वाज द फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस ऑफ माइन लाइक इन द विल्सन कॉलेज का, वो अपना एवी रूम एंड एट दैट टाइम व्हेन मैम टोल्ड मी कि तुझे इकोनॉमिक के रिलेटेड पैट्रियोटिक सॉन्ग पे डांस करना है एंड वो फिर आई वाज लाइक कि क्लासिकल लाइक जैसे मैं अभी कथक सीखती हूँ तो क्लासिकल एंड पैट्रियोटिक सॉन्ग का मैं क्या करूँ. उसमें मेरा लाइक हाफ वीक तो उसमें गया. ऊपर से मुझे समझा कि बाकी के जो 4-5 स्टूडेंट्स थे जो थोड़ा बॉलीवुड टाइप का डांस करने वाले थे वो जो इकोनॉमी के सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल भी रिलेट नहीं करने वाले थे ऐसे सॉन्ग्स उन्होंने रखे थे एंड मेरा पूरा क्लासिकल ऑडियंस को पसंद आएगा या नहीं आएगा मैं पूरी कॉन्शियस सी परफॉर्मेंस के टाइम पे एंड फिर तुम लोग आए एंड नहीं अरे तू करेगी अच्छा. फिर मेरे को उस टाइम थोड़ा 10-15% अच्छा लगा बट आफ्टर ऑल व्हेन आई परफॉर्म्ड ऑन दैट सॉन्ग पैट्रियोटिक सॉन्ग एंड व्हेन आई एंट्री लिया मैंने एंड एट दैट टाइम ओनली द ऑडियंस वॉज चीयरिंग जो शाउटिंग एंड ऑल क्लैप्स जो थे तो उसके लिए आई वाज लाइक कि नहीं मतलब चलो कॉलेज है पूरा लाइक ऐसे फुल ऑन यू नो लाइक थोड़ा एस्थेटिक आजकल के बच्चों की तरह या फिर कुछ तो बट नहीं किधर तो क्लासिकल और इसको भी रिस्पेक्ट किया जा रहा है किसको तो पसंद आया उस स्पेसिफिक ऑडियंस को तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा वो तो मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस की बेस्ट चीज मुझे मिली कि हाँ चलो क्लासिकल पसंद आया ऑडियंस को क्योंकि यूजुअली पसंद आता ही है सबको ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज समटाइम्स पीपल आर लाइक क्लासिकल मतलब बोरिंग ही होगा कुछ हम लोग के सिर के ऊपर से जाने वाला चीज ही होगा बट नहीं व्हेन आई सॉ द दैट ऑडियंस का मेरे लिए जो था कि हाँ रिस्पॉन्स एक्चुअली चीज रिस्पॉन्स ना रिस्पॉन्स राइट करेक्ट रिस्पॉन्स तो फिर वो मुझे देख के पसंद आया सो आई वाज लाइक नहीं यस क्लासिकली अगर मैंने कंटिन्यू किया तो आई डोंट थिंक सो कोई इतना बोर होगा किसको पसंद नहीं आएगा ऐसे कुछ नहीं है. अच्छा रिस्पॉन्स फर्स्ट परफॉर्मेंस का ही इतना अच्छा रिस्पॉन्स था तो आई वाज लाइक कि आगे जाके तो क्या और ही बेस्ट होने वाला है अगर पार्टिसिपेट किया तो. तुझे भी डांस लाइक कथक जो तू सीख रही है वो कितने साल हो गए लाइक अभी कथक में, और लाइक ऐसे मतलब जैसे मतलब मैंने मार्शल आर्ट्स किया था बचपन में, एकदम छोटा था मैं तभी, तो लाइक उसमें वो बेल्ट्स मिलते थे, वैसे लाइक डांस में भी कोई ऐसे लाइक हायरार्की टाइप है क्या? कथक आई एम लर्निंग सिंस 13 ईयर्स ऑफ माई लाइफ एंड मैं कुछ तो हाँ सीनियर या जूनियर में थी तब से मैंने कथक स्टार्ट किया लर्न करना एंड अभी तक मेरे 5 एग्जाम्स हो गए एंड उस कथक में एक लाइक पदवी भी से लेकिन हिंदी और मराठी तो एक ऐसा रहता है कि एक तो एक एग्जाम के हिसाब से सर्टिफिकेट्स तो मिलते ही है व्हेन अभी तो मैंने 5 एग्जाम्स दिए उसके बाद एक रहता है कि लाइक एक विशारद एंड अलंकार ऐसे आपके लाइक नाम के सामने लगता है लाइक नृत्यालंकार
परिणीता पवार फॉर एग्जाम्पल, या फिर नृत्य विशारद परिणीता पवार, ऐसे एक वो पदवी जैसा एक नाम लगता है. इन दैट ऑल्सो यू हैव मेनी स्कोप्स, लाइक इफ यू वॉन्ट टू लाइक डॉक्टर के लिए आपको अगर लाइक कुछ पढ़ना होगा या फिर मास्टर्स करना होगा, पीएचडी डिप्लोमा भी उसमें हो सकता है, जो मैं करने वाली हूँ. जैसे मैं थिंकिंग चालू है मेरा, तो वेन आई विल डू मास्टर्स एंड ऑल दैट, देन उसके बाद मेरे नाम के सामने लाइक डॉक्टर परिणीता पवार ऐसे लगेगा एज अ कथक डांसर. सो कथक में ये बेसिकली इतना तो होता है, टोटल 8 एग्जाम्स होते हैं उसके, और मैंने 5 दिए. तेरा मतलब जो वर्णन मराठी में बोलते हैं डायरेक्शन, तेरा डायरेक्शन सिर्फ क्लासिकल के बारे में, या फिर तू कोई और डांस भी फॉलो करती है, या फिर ऐसे मतलब डांस स्टाइल्स में तेरे फेवरेट कौन सा, वैसे भी पूछ सकता हूँ, वैसे इसमें भी तू अपना जवाब दे। नहीं, लाइक फिलहाल देखा गया तो फिलहाल मेन तो मेरा क्लासिकल ही है. मुझे बाकी का भी पसंद है, लेकिन इतना भी नहीं, लाइक इतना भी नहीं पसंद है. लाइक मैं सिर्फ क्लासिकल के सिवा अगर देखा गया तो, सी इन क्लासिकल आई लर्न टू थिंग्स, लाइक मैं कथक भी सीखती हूँ एंड क्लासिकल में मैं तबला भी सीखती हूँ, एंड दोनों के मैंने 5 एग्जाम्स दिए. बट बचपन से मुझे मुझे बचपन से क्लासिकल का डायरेक्शन मेरे लाइक मम्मा ने एक्चुअली दिया था, तो मैं कथक के साथ तबला भी सीखती थी, तो दोनों के 5 एग्जाम्स हो गए मेरे. बट बिसाइड क्लासिकल के सिवा अगर लाइक देखा गया तो मैं लावणी भी लाइक जो अपना महाराष्ट्र डांस फॉर्म है वो भी मैं कर चुकी हूँ. बॉलीवुड का ऐसा कौन सा स्पेसिफिक स्टाइल अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, मुझे ट्राई करने को पसंद आएगा, बट एज पर माई थोड़ा क्लासिकल का ही बहुत होने के वजह से मेरे को लोग थोड़ा वो अच्छा भी लगता है, बट कभी कभार लाइक थोड़ा इतना नहीं मुझे वो अच्छा लगता है. टू बी वेरी फ्रैंक, देखा गया तो कुछ कुछ जन मेरे को है लाइक ऐसे बताने वाले क्या क्लासिकल ही करती है, थोड़ा बॉलीवुड के, थोड़ा बॉलीवुड टॉलीवुड स्टाइल्स किया कर या फिर कुछ, बट मेरे को लगता नहीं, ये भी एक कुछ तो है जिसकी परंपरा बहुत चलते आई है बहुत सालों से, उसको भी कोई तो एटलीस्ट फॉलो कर सके. बॉलीवुड टॉलीवुड तो है ही, आजकल के बच्चे तो वही सीखते हैं, बट आजकल क्लासिकल के पास देखा गया तो इतना कोई ध्यान नहीं देता देखा गया तो. बट हाँ, मेरे को लगे अगर प्रेफर किया तो मैं करती हूँ, अगर मेरे को अच्छा लगा तो ही मैं प्रेफर करती हूँ, वरना मैं टोटली देखा गया तो आई एम टोटली इन क्लासिकल. अबाउट क्लासिकल, मतलब जो तूने स्टेटमेंट बोला कि मतलब आजकल की जनरेशन, जो हमारे बाद वाली जनरेशन है, हमारी भाई बहन की हो गई, या फिर जो आगे की उनकी जनरेशन रहेगी, वो बॉलीवुड और टॉलीवुड जो मतलब क्या बोलते हैं कंटेम्प्रेरी डांसेस है, और जो इन वाइब या फिर इन फैशन वाले जो डांस फॉर्म्स है उन्हें ही बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। वो बहुत करेक्ट स्टेटमेंट है, और कहीं ना कहीं मुझे भी मतलब मैंने क्लासिकल ऐसे इन द सेंस कुछ सीखा नहीं है, बट जो स्कूल में म्यूजिक की स्कूलिंग हुई थी और डांस वगैरह की स्कूलिंग हुई थी, उसके अंदर हम लोग के जो टीचर्स थे वो क्लासिकल बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब प्रॉपर पंडित थे वो, जो हमारे सर थे अविनाश पटवर्धन, अगर आप सर सुन रहे हो तो पहले तो अप्रोच करूँ, मुझे बहुत साल हो गए मैंने अविनाश सर से बात नहीं किया है। उन्होंने तबला, फिर बोंगो कॉन्ग, मतलब तबला और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी उन्होंने सिखाया, पर ऐसे इन प्रोमिनेंट उन्होंने फ्लूट तबला ऐसे इंस्ट्रूमेंट सिखाया, और गाते वक्त भी क्लासिकल उन्होंने हमें एक स्टेटमेंट बोला था फिफ्थ या फोर्थ स्टैंडर्ड का, एक कोई तो इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम का प्रेपरेशन चल रहा था, तभी उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला था कि क्लासिकल जो म्यूजिक हम तुमको सिखा रहे हैं तुमको थोड़ा बोरिंग लगेगा, पर क्लासिकल म्यूजिक और क्लासिकल हिंदुस्तानी जो स्टाइल है उसको तुम एज अ बेस अपना रेडी करो, क्योंकि उसके बाद इट्स कि तुम अपना बेस बना लोगे, उसके ऊपर तुम स्काईस्क्रेपर भी बना लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर अगर तुम्हारा बेस कहीं ना कहीं थोड़ा सर ने मराठी में बोला था कि जर बेस तुमचा थोड़ा ठसूळ असेल तर प्रॉब्लम्स होईल तुम्हाला खूप जास्त, मतलब बेस में अगर तुम्हारे थोड़े प्रॉब्लम्स है तो तुम्हें फ्यूचर में जब तुम उसके ऊपर कुछ बिल्ड करने जाओगे तो उसमें तुम लोग को थोड़ी चैलेंजेस आएंगे, थोड़े कठिनाइयां आएंगी। राइट राइट, करेक्ट करेक्ट, इट इज वेरी लाइक बहुत करेक्ट है ये, क्योंकि जितना कि अभी मुझे पता है, जितना मैं बहुत सारे अभी अभी मेरे जो फ्रेंड्स उनको तो लाइक अभी ऑप्शन ही नहीं है, लाइक कुछ भी हुआ तो एक वर्ड से भी वो लोग मुझे कभी भी बॉलीवुड या फिर टॉलीवुड का कभी नहीं बोलते, बिकॉज दे नो दैट कुछ भी इसको बोला तो ये भी शुरू होगी, इसका लाइक शुरू होगा. बट सेकेंडली अगर दूसरा साइड से अगर देखा गया तो वो बहुत मुझे कथक के लिए इतना सपोर्ट करते हैं, विच आई एम रियली ब्लेस्ड, क्योंकि
उनको जब मैंने ये सब बातें बताई कि बॉलीवुड टॉलीवुड लाइक पूरा गंदा या फिर बैड ही स्टाइल है ऐसे नहीं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वन डांस फॉर्म. इवन आई रिस्पेक्ट एवरी डांस फॉर्म, जब भी जितना भी अभी चलता है हम लोग के लाइक वर्ल्ड में, मैं उसको भी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि वो भी सीखना इज नॉट ईजी कि हाँ कुछ तो फ्री स्टाइल मूव्स करोगे यार वो कोई भी कर सकता है, ऐसे बिल्कुल नहीं. उसको भी एक सीखने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम या फिर एक स्पेसिफिक कोई तो अच्छा लगता है सीखने वाला. तो जब वो लोग मुझे बोलते तो वो पूरा कथक के लिए मुझे फुल ऑन पुश करते रहते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. लाइक किधर भी कंपटीशन हो, पर ही तू इसमें जा, या फिर तू इधर क्लासिकल कर, इधर क्लासिकल नहीं चलने वाला है तब भी तू क्लासिकल कर, एंड तू दिखा दे कि नहीं क्लासिकल भी किधर तो है, लाइक ये पूरा फिनिश नहीं हुआ, ये भी आजकल किधर ना किधर चलता है. एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल लाइक स्मॉल स्टूडेंट्स या फिर अपने आगे की जनरेशन की, बाबा ये भी किधर तो है, बचा के रखो इसके लिए भी. सब इस बॉलीवुड टॉलीवुड में जाओ, नहीं जाओ ऐसे बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, लाइक मैं तो बोल रही हूँ, बट इसको भी आगे लेके जाओ, इसका भी नाम जरा रोशन करो. देखा गया तो ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है. मेरे अभी लाइक अभी तो हम लोग के एग्जाम चल रहे हैं, पर लाइक एग्जाम के बाद तेरे कोई प्रोग्राम्स वगैरह है क्या लाइक? हाँ मेरे एक अभी एक्चुअली एक बीच में भी था मेरा एक कंपटीशन, बट उस टाइम हम लोग का एग्जाम था लास्ट मंथ में, तो मैं उसमें नहीं जा पाई, बट डेट फाइनल नहीं हुई है, डेट होने वाली है फाइनल, बट जुलाई में ठाणे में गडकरी या फिर बाल गंधर्व नाट्य गृह जो है उधर प्रोग्राम हो सकता है. डेट फाइनल होना सिर्फ बाकी है, बट बाकी का ऑलमोस्ट हम लोग का डन है, देखा गया तो क्लास का ही है. एंड उसके बाद भी मैं उल्टा आई एम जस्ट लाइक चाहती हूँ कि मेरे पास परफॉर्मेंसेस आए या फिर मेरे पास कॉम्पिटिशन्स ज्यादा आए. हाँ ठाणे का वो तो है, जुलाई मंथ का तो है, ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है, सिर्फ लास्ट का थोड़ा प्रोसीजर बाकी है हम लोग का करने का, बट ऑलमोस्ट इट इज डन एंड वी आर गोइंग टू परफॉर्म, एंड आई एम गोइंग टू परफॉर्म इन बाल गंधर्व या फिर गडकरी, वो सिर्फ दो जो बाकी है फाइनल करने का. जब मैंने वो नाम सुना आई वाज लाइक कि मैं तो अभी मेरा सबसे बेस्ट लाइफ का अभी ये होने वाला है, क्योंकि परफॉर्मिंग ऑन दैट स्टेज का लेवल इज गट्स लगते. एक तो गडकरी जैसा स्टेज, भले भले लोगों का उधर पैर नहीं लाइक ये हो सकता, कोई भी कितना भी बड़ा हो, मैं सच में बोल रही हूँ, ये नाम सुनते ही शिवरिंग में स्टार्ट हो गया लाइक कि मैं किधर इतना अच्छा अचीव कर रही हूँ, एंड अचीव बेस्ट अचीव कर रही हूँ लाइक मेरे लाइफ का. जब मैंने वो नाम दोनों नाम सुने, उन दोनों में से कोई तो एक थिएटर हम लोग फाइनल करने वाले, बुक करने वाले हम लोग के परफॉर्मेंस प्रोग्राम के लिए क्लास के, तो मैं वो सुन के इतनी खुश हो गई आई लाइक कि मेरा कुछ तो भी सच्ची में एक स्टेप गई हूँ मैं ऊपर, मेरे फेवरेट थिएटर्स में मैं परफॉर्म कर रही हूँ, एंड आई एम रियली लकी टू परफॉर्म ऑन दैट स्टेज. गडकरी और बाल गंधर्व हो या फिर डोंबिवली का सावित्रीबाई फुले है, या फिर बहुत बड़े बड़े है ऐसे शिवाजी मंदिर वगैरह दादर का, उस स्टेज पे परफॉर्म करना मेरा एक पर्सनल ड्रीम है, और जो भी स्टार्ट हो रहा है कि दैट्स व्हाई आई एम सुपर हैप्पी. और ऐसा हो रहा है मेरे को कब जुलाई आ रहा है और मैं परफॉर्म कर रही हूँ उधर. या लाइक मतलब क्लासिकल जो भी क्लासिकल बैंड के लोग रहते हैं लाइक बैंड इन द सेंस नॉट इन अ नेगेटिव वे, पर लाइक ऐसे आई नो इट्स ओके. क्लासिकल टॉपिक्स के बारे में जिन जिन लोगों के लाइक जिनके एम्बिशंस क्लासिकल वे से जाते हैं उसके साथ लाइक एक ऐसा लाइक परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन और राइट प्रेस्टीज वो भी एक एक रहता है. प्रेस्टीज की लाइक बातें जुड़ जाती है उसके साथ। और लाइक ऐसे क्या बोलते हैं बहुत बार खुद के बारे में ऐसे सेकेंड थॉट्स आते हैं कि लाइक एम आई एक्चुअली सो वेल दैट आई कैन परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ अ ऑडियंस एंड परफॉर्म एट सच अ ग्रेट लाइक स्टेज वेयर बहुत बड़े बड़े लोग आ चुके हैं और जहाँ उनके परफॉर्मेंसेस हुए हैं। लाइक मैंने ज्यादा राइट जगहों पे परफॉर्म नहीं किया है, पर लाइक जहाँ जहाँ मतलब मुझे चांस मिला लाइक हमारे स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते थे, मैं एक दो बार सिर्फ बाहर के कॉम्पिटिशन्स में गया था लाइक एज अ सिंगर गया था, और एक में लाइक एज अ क्या बोलते हैं ऑडियो असिस्टेंट टाइप गया था। तो लाइक उसमें ऐसे मतलब जाके बोलते हैं लाइक स्टेज की एक वाइब रहती है, स्टेज के एक लाइक ऐसे प्रिंसिपल्स रहते हैं, तो जो तुम जाके ऐसे लाइक देखते हो तो तुमको ऐसे फील होता है कि मतलब यहाँ पे कोई तो एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से ऐसा मोटिवेशन आएगा। या दिस इज अ परफेक्ट सेंटेंस फॉर दैट स्पेसिफिक थिंग, कि एक एनर्जी उधर जाके अलग मिलती, क्योंकि अभी फॉर एग्जाम्पल फिर से अगर गडकरी को ही अगर लिया हम लोग ने फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े डांसर्स, बड़े बड़े अलग लेवल के उधर लाइक पर्सन आके गए हैं, एंड वेन दे कम एंड वेन दे लाइक उनके जब चरण वी कैन सी जब स्टेज को लगता है, एंड फिर उधर जाके हम लोग को लगता है इस स्टेज पे मैं परफॉर्म्स कर रही हूँ जिधर ये आके गए,
तो वो एक एनर्जी अलग रहती है देखा गया तो। तेरी लाइक म्यूजिकल टेस्ट कैसी है? लाइक तू म्यूजिक में सिर्फ क्लासिकल सुनती है या फिर लाइक क्या क्या सुनती है तू इन म्यूजिक? क्योंकि लाइक ऐसे डांस इज ऑलवेज अटैच्ड विथ द म्यूजिक दैट इज प्लेइंग व्हेन यू आर डांसिंग. तो लाइक म्यूजिक में तू क्या क्या सुनती है? ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं है मेरा कि म्यूजिक में सिर्फ क्लासिकल ऐसे नहीं है, बट देखा गया तो आज म्यूजिक अभी देखा गया तो डांस भी विदाउट म्यूजिक नहीं हो सकता, क्लासिकल हो तब भी विदाउट म्यूजिक कुछ नहीं हो सकता, बट मेरा म्यूजिक टेस्ट अभी लाइक क्लासिकल के सिवा मैं हिंदी सॉन्ग्स सुनती हूँ, मैं मराठी सॉन्ग्स सुनती हूँ, उसमें मेरा टेस्ट अच्छा है, मतलब लाइक मैं हाँ इंग्लिश भी कभी कभार सुन लेती हूँ देखा गया तो, सबको ना ना नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश में भी मेरे को पसंद है, हिंदी मराठी तो बहुत ही पसंद है, हिंदी तो मेरा फर्स्ट में ही आ सकता है ऑब्वियसली वी कैन से। लाइक बॉलीवुड में तेरे अकॉर्डिंग लाइक सबसे बेस्ट डांस के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? ऐसे कोई स्पेसिफिक सॉन्ग्स या फिर कोई ऐसे स्पेसिफिक क्या बोलते हैं एक्ट या फिर कोई ऐसे क्या बोलते हैं स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स कौन से हैं बॉलीवुड में जिसमें डांस या फिर लाइक क्लासिकल लाइक जो परफॉर्मेंस रहती है उसकी जो एसेंस था वो बहुत अच्छे से कैप्चर हुआ और उसे बहुत अच्छी तरह से लाइक पब्लिसाइज किया गया था? बॉलीवुड में एज पर माय लाइक अच्छा अच्छा डांसर या फिर ऐसे कुछ स्पेसिफिक बोलूंगी नहीं मैं, बट क्लासिकल सॉन्ग्स में बॉलीवुड में अगर देखा गया तो जो अभी तक आई थिंक सबको पता होगा अपना देवदास पिक्चर में माधुरी दीक्षित का एक है क्लासिकल जिसमें प्योर क्लासिकल लाइक उन्होंने किया है, एंड फिर अपने बॉलीवुड में भी एक्चुअली बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लासिकल डांसर्स है, बट आजकल के जनरेशन के हिसाब से आई थिंक वो सॉन्ग किसको पता नहीं होगे ज्यादा देखा गया तो, बट हाँ बॉलीवुड में से मेरे कुछ स्पेसिफिक मैंने तो बॉलीवुड का सिर्फ बाकी के डांस ही देखे, मेरे क्लासिकल बहुत थोड़े देखे, उसमें फर्स्ट नाम तो माधुरी दीक्षित आते देखा गया तो। लाइक अभी इसका ही चल इसका ही अगर टॉपिक चालू है तो मैं तुझे एक पूछती हूँ कि वॉट यू वुड लाइक प्रेफर द मोस्ट, ऐसे कुछ तेरा क्या है इस पे क्लासिकल या फिर बॉलीवुड में तू ज्यादा क्या प्रेफर कर सकता है देखा गया तो। बॉलीवुड में बहुत कम है लाइक कम इन द सेंस लाइक वैसे कम नहीं है. लाइक अगर देखें हम लोग तो एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ क्लासिकल डांस का लाइक रिप्रेजेंटेशन है और लाइक गाने भी बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे हैं क्लासिकल में. पर लाइक ऐसे मतलब तू एकदम ऐसे एग्जाम्पल में पूछेगी तो आई से कि माधुरी दीक्षित ऑफ कोर्स, देन रेखा जी के जो डांसेस है लाइक कुछ कुछ राइट जो राइट कुछ राइट कुछ जो लाइक डांस फॉर्म्स है वो बहुत अच्छे थे. फिर एकदम लाइक ऐसे पुराने जमाने में चले गए तो लाइक 1950s 1930s के जो लाइक डांसर थे वो बहुत ज्यादा क्लासिकल बेंड और क्लासिकल क्लासिकल प्रेफर ओरिएंटेड. करते थे तुम्हारा। ऐसे एकदम प्रेजेंट टाइम में पूछे तो संजय लीला भंसाली की जो भी मूवीज थी लाइक जैसे देवदास हो गया, बाजीराव मस्तानी हो गया, फिर पद्मावत हो गया, लाइक उसमें बहुत अच्छे अच्छे लाइक क्लासिकल कलंक में एलिमेंट. भी हाँ क्लासिकल वो कलंक घर भी मोरे परदेसी आलिया भट्ट का वो परफॉर्मेंस था उसमें वो भी सही था। मतलब अच्छा है. लाइक क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन अभी भी बहुत स्ट्रांग है और बहुत ज्यादा रेलेवेंट है. ये लाइक देख के बहुत अच्छा लगता है. एंड जितना कि क्लासिकल में देखा गया तो मैं खुद को बहुत ज्यादा मतलब ये एक्चुअली कॉलेज में देखा गया तो हम लोग का भी जो ग्रुप है बहुत क्लोज है, बट ये कभी क्लासिकल या फिर मेरे लाइक पर्सनल डांस या फिर इसके बारे में बात नहीं निकलती इसलिए मैं नहीं बता पाई, बट मैं खुद को बहुत ज्यादा लाइक सो कॉल्ड ऐसे सीरियसली इतना लकी समझती हूँ या फिर नसीबवान मैं सीरियसली बोल सकती हूँ, द आइडियल डांसर पंडित बिरजू महाराज जी इनके पास मैं हर हर साल उनका वर्कशॉप रहता है एनसीपीए को, अभी जस्ट लाइक एक 2022 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2022 और 2021 समथिंग लाइक ही इज नो मोर, बट या उनका हर एक वर्कशॉप मैंने एनसीपीए को जाके अटेंड किया है, भाईकला को एनसीपीए जो है उधर उनका थिएटर में रहता था हर हर साल, और उधर जाके एक मुझे प्रोफेशनल क्लासिकल डांसर क्या होता है या फिर एक प्रोफेशनल क्लासिकल डांसर बिहेव कैसे करता है, अभी ऑब्वियसली पंडित ये पदवी लगने के बाद उनके नाम के सामने ऑब्वियसली ही स्टिल ही इज द बेस्ट डांसर आई वुड से क्लासिकल डांसर में, एंड मैं उनको लाइव देखा है, मैंने उनके लाइव अटेंड किए हैं सब वर्कशॉप, उनसे लाइव सीखा है, उनके इतने मेमोरीज है मेरे साथ, तो ये भी आगे जाना चाहिए थोड़ा, एंड इवन देखा गया तो माधुरी दीक्षित जी उनके पास लाइक सीखते थे, या फिर अभी देवदास में जो जो एक है सॉन्ग
काहे छेड़ो छेड़ो मोहे करके एक बीच में सॉन्ग है जिसमें प्योर क्लासिकल माधुरी दीक्षित जी ने किया है, तो उसमें वो जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो उन्होंने गाया है उसमें, स्टार्टिंग का जो अंतरा है वो। प्लस ही वॉज अ ग्रेट सिंगर, प्लस ही वॉज अ ग्रेट तबला प्लेयर ऑल्सो। इन शॉर्ट ओवरऑल ऐसे फुल्ली गॉड गिफ्टेड सब था उनके पास। तो ये मैं खुद को एक बहुत लकी समझती हूँ कि मैं उनके पास से बहुत सीखी, एंड यही सेम आगे बढ़ना चाहिए ऐसे मुझे लगता है किधर। तो तेरी इंस्पिरेशन क्या थी इन हैविंग अ इंटरेस्ट अबाउट क्लासिकल म्यूजिक, अबाउट क्लासिकल डांस फॉर्म्स? तेरी इंस्पिरेशन कहाँ से आई, और तुझे कब ऐसे फील हुआ कि ओके आई शुड फॉलो कथक एज अ डांस फॉर्म एंड आई शुड लर्न इट, आई शुड गिव दी एग्जाम्स? जैसे तुझे कब पता चला और दिस इज कैसे द फील मोस्ट हुआ? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट आई वुड रियली से, बिकॉज दिस इंस्पिरेशन मुझे मेरे मम्मा के तरफ से मिली, आई स्वेर, बिकॉज ये मम्मा का पैशन था। कथक में नाम कमाना ये मेरे मम्मी का पैशन था। बट मम्मी जब उस टाइम स्टार्टिंग में जब कथक डांस क्लास वो शुरू किया था सीखने को, आई डोंट नो एट वॉट एज शी स्टार्टेड टू लर्न कथक, बट उस टाइम एक था थोड़ा एक ओल्ड मेंटालिटी का, लड़की के पैर में घुंघरू नहीं बांधने के, लड़की को नचाने का नहीं, हमारे घर में तो नहीं चलता ये, हमारे खानदान में ये नहीं चलेगा, बंद कर दे इसका सब। ऐसे मम्मी को तब बहुत डांट पड़ी थी, एंड मम्मी का सब वो पैशन उसी टाइम गया। एंड व्हेन शी जब उसको समझा कि एज अ बेबी गर्ल मैं बॉर्न हुई हूँ, देन शी पास्ड ऑल हर पैशन ऑल हर ड्रीम टू मी, एंड नाउ आई एम फॉलोइंग उसका सब, मम्मा का सब, मैं आगे अभी बढ़ रहा हूँ उसके। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देखा गया तो टच वुड आई, मैं इतना आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस फैमिली ऑफ माई लाइफ, बिकॉज मेरा खुद का मामा इज अ ग्रेट तबला प्लेयर, मेरे नाना जी तबला प्लेयर है, मेरे मम्मी चल एटलीस्ट एक कथक का साइड में रखा तो मम्मी ने खुद क्लासिकल सिंगिंग के 3 एग्जाम्स दिए हैं, एंड अभी मैं आगे चला रही हूँ ये सब। तो इसलिए दैट इज द मेन इंस्पिरेशन आई गॉट फ्रॉम माई मम्मा एज वेल एज फ्रॉम माई फैमिली। आई मेन थिंग जैसे मैंने पहले बोला कि वो एज पर द ओल्ड मेंटालिटी मम्मा का तो था, बीच में मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि इसका भी कर देते हैं, इसका इसको भी सिंगिंग में ही आगे बढ़ाते, इसका भी कुछ होने नहीं वाला, बट माई मम्मा स्टूड विथ मी एंड माई मामा एंड मामी। तो फिर वो इंस्पिरेशन से मुझे लगा नहीं ये भी मुझे कुछ तो करना चाहिए, एंड फिर जैसे मम्मी के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हुआ था, इसका कथक बंद कर देते हैं कुछ होने नहीं वाला, सिंगिंग में ही इसको भी आगे बढ़ाते हैं क्लासिकल सिंगिंग में, बट नहीं उस टाइम सब ये सब मेरे साथ थे, इसलिए भी मैं 5th एग्जाम कैसे तो अचीव कर पाई। एंड देन मुझे लगा कि नहीं किधर तो कथक में मास्टर्स करना चाहिए, कथक पे PhD करना चाहिए, एंड ये मुझे फ्लो रखना है चालू नहीं। और मुझे इनफैक्ट आउट ऑफ जाके भी ऐसे लग रहा है कि इधर तो जाके इसका प्रचार कर रहे हम लोग कि नहीं कथक है, अरे यार भूलो मत, कि इधर तो क्लासिकल चीजों को भूलो मत, ये मुझे करने की बहुत बहुत ज्यादा इच्छा है। मेरे घर पे मैक्सिमम टाइम इट्स जस्ट ओल्ड सॉन्ग, जैसे नए गाने सुनते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम ऐसे नए गानों पे बलिष्कार टाइप कर दिया, वैसा नहीं है। इट्स मतलब पुराने गाने ज्यादा प्रचलित है घर पे, ऐसे यस, मोहम्मद ट्रू रफी ट्रू हो वेरी गए, किशोर देन लाइक कुमार, वो मुझे भी नहीं पता थे, वो मेरे पापा के वजह से मुझे मुझे वॉइस पता था उनका, बट नाम नहीं पता था कि हाँ ये कुमार सर, बट बाद में समझा। बट यार साधना सरगम जी है अपने, द ग्रेटेस्ट, द ग्रेट लता मंगेशकर जी, आशा भोसले, एंड वो भी इन देखा गया तो उनका भी बेस क्लासिकल है, प्योर क्लासिकल, अंदर का डीप क्लासिकल तो हृदयनाथ उनका था, मंगेशकर। राइट, उनका तो प्योर क्लासिकल था। इतना होने के बावजूद दे केम इनटू इंडस्ट्री एंड दे स्टार्टेड सिंगिंग, बट उनके वॉइस से किसने उनको ये नहीं किया कि हाँ इनका क्या क्लासिकल बेस है, ये कैसे गाएंगे बॉलीवुड सॉन्ग्स, या फिर ऐसे नहीं, उनका आवाज हर कैरेक्टर को सूट होता था उस टाइम तो। या उस मतलब उसी कॉन्टेक्स्ट में जो म्यूजिक सर बोल रहे थे कि उनका बेस क्लासिकल है, बट उसके ऊपर उन्होंने अपने म्यूजिकल जर्नी में, अपने करियर में उन्होंने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ सिंगिंग एक्सप्लोर किए थे और डिस्कवर किए थे। जैसे आशा भोसले हो गया, व्हेन शी सिंग्स कोई भजन हो गया, या फिर कोई क्लासिकल सॉन्ग है, क्लासिकल बेस्ड राग बेस्ड कोई सॉन्ग है, तो शी इज प्योर क्लासिकल स्टूडेंट के जैसे उनका फॉर्म ऑफ सिंगिंग रहता है। बट एट द सेम टाइम जब वो RD बर्मन का कोई दम मारो दम हो गया, या फिर ऐसे थोड़े वेस्टर्नाइज सॉन्ग्स है, शी सिंग्स दैट ऑल्सो वेरी वेरी वेल। उधर स्पेसिफिक उस टाइम जब क्लासिकल जब सॉन्ग क्लासिकल में स्पेसिफिक राग गाना होता है, या फिर उस टाइम वो उस
लाइक एटमोसफेयर में रहते हैं कि नहीं क्लासिकल पूरा पहुंचाना है ऑडियंस में, बट जब इट कम्स टू लाइक जैसे भी ये दम मारो दम है या फिर कुछ अलग सॉन्ग सुन के उस टाइम उनको पता है ये एंटरटेनिंग सॉन्ग है, तो एज पर वो अपना वॉइस बदलना या फिर उस फेज में जाके गाना, वो लाइक कैरेक्टर सामने लाके विजुअलाइज करके खुद के माइंड में, तो दोनों लाइक सिर्फ क्लासिकल सिंगर यही, सिर्फ क्लासिकल ही नहीं लाइक ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि यही करना चाहिए, अगर उसको दूसरा भी करने को बोला तो वो भी कर सकता है। जैसे भी अगर मुझे बोला कि थोड़ा बॉलीवुड कर, तो मैं थोड़ा कर सकती हूँ, इतना भी लाइक गंदा या फिर कुछ इतना इतना भी नहीं, बट जितना मुझे होगा वो तो मैं डेफिनेटली ऑडियंस तक पहुंचा सकती हूँ, जो उन्होंने वो पहले से करते आ रहे हैं देखा गया तो। कमिंग फ्रॉम म्यूजिक टू ऐसे रिसेंट फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, जैसे मूवीज हो गया, सीरीज हो गया, एनिमे देखते हैं आजकल लोग, लाइक ड्रामास हाँ देखते हैं, के ड्रामास, जे ड्रामास वगैरह, पॉप कल्चर के इन्फ्लुएंसेस वगैरह, उसके बारे में तेरा कहना हाँ क्या है? क्योंकि तू एक अच्छा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दे सकती है ऐसा लगता है मुझे, लाइक बड़ा ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है. हाँ नहीं वो रखी है उसके लिए ही बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन उतना ही आएगा मेरे अंदर से, वो भी मैं खुद को नहीं श्योरली बता सकती, बट यार अभी के हिसाब से अगर देखा गया तो आई एम क्वाइट लाइक सीरीज मैं नेटफ्लिक्स पे भी देखती हूँ या फिर अमेजोन प्राइम डिज्नी हॉटस्टार इस पे कुछ ना कुछ लगे रहते सीरीज को मैं देखती हूँ, के पॉप ऑल दैट वो स्टफ के लिए मैं बिल्कुल भी लाइक नहीं हूँ उसके साइड से, बट हाँ नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज मैं बहुत देखती हूँ या फिर आजकल के न्यू न्यू मूवीज वगैरह मैं सब ट्रेंड फॉलो करती हूँ, बिल्कुल भी फॉलो करती हूँ ऐसा नहीं है, बट यार नेटफ्लिक्स पे मैं बहुत बहुत नेटफ्लिक्स एडिक्टेड हूँ एक्चुअल में देखा गया, मैं बहुत वेब सीरीज और सब खत्म किया है मैंने, मूवीज और सीरीज न्यू न्यू मैं हमेशा देखती रहती हूँ, कौन सी देख सकती हूँ अभी नेटफ्लिक्स पे क्या नया आया है, तो उतनी मैं हूँ थोड़ी आजकल के जमाने जैसे हूँ, पूरी 90s या फिर उसके हिसाब से नहीं हूँ, मैं आज के जमाने की तरफ भी हूँ ऑलमोस्ट। लाइक कोई रीसेंट सीरीज बता दे अपनी, ऐसे कॉन्टेक्स्ट देने के लिए कि लाइक तूने रीसेंट में क्या देखा था नेटफ्लिक्स या फिर रिसेंट ओटीटी में में. अभी लाइक लास्ट रिसेंट में मैं आई थिंक अभी तो बहुत बहुत गैप हो गया एक्चुअली नेटफ्लिक्स देखे हुए, बट करंटली आई एम वेटिंग फॉर स्ट्रेंजर थिंग का नया वाला सीजन देखा गया, तो मुझे किसने भी पूछा तो किसके लिए वेट कर रही है, तो आई एम वेटिंग फॉर स्ट्रेंजर थिंग का नया वाला सीजन, एंड हाँ मैंने नेटफ्लिक्स पे लाइक के वो कोरियन का वो ऑल ऑफ अस डेड देखा, ज़ोंबीज़ का मुझे ज़ोंबी एडिक्टेड हूँ मैं जरा, मैं ज़ोंबीज़ का बहुत देखा है लाइक वर्ल्ड वॉर जेड करके एक मूवी था वो, ऑल ऑफ अस डेड, फिर ट्रेन टू बुसान वगैरह वो नेटफ्लिक्स पे वो मेरा ज्यादा भरा है जरा, बट हाँ ओवरऑल बाकी कॉमेडी देखा गया तो हाँ कॉमेडी में भी मेरा अच्छा टेस्ट है, मतलब सिर्फ सीरियस या फिर ऐसे इसके हिसाब से नहीं है, मूवीज वगैरह में है अच्छा कुछ, अभी किधर है नहीं देखने को, टाइम पास के लिए YJHD लगा के बैठ जाती हूँ मैं, टीवी चालू रहता है। YouTube पे क्या देखती है तू? ऐसे वाला स्क्रॉल करके बता दे चाहिए तो. YouTube पे हाँ YouTube पे थोड़ा क्लासिकल का बहुत बहुत नहीं बट ऑलमोस्ट थोड़ा क्लासिकल परफॉर्मेंस के जो मेरे आइडल है लाइक फिल मैं जिनका अभी अभी आइडल मानती हूँ सोनिया परसुरे मैम जो है क्लासिकल के, उनको मैं सीरियसली बहुत बड़ी आइडिया मतलब उनके बहुत यूट्यूब में मेरे वीडियोस पड़े हिस्ट्री में, बट ओवरऑल अभी के हिसाब से थोड़े देखा गया तो गेमिंग और यूट्यूबर लोग जो है अपने लाइक बीबी की वाइंस भुवन राम है या फिर मिथपैट ट्रिगर्ड इंसान और बाकी के जो सब कुछ है, आजकल मिथपैट का बहुत चल रहा है, उसने बहुत बड़ा यूट्यूब इंडिया को कॉन्टेक्स्ट दे के रखा है, तो उसके वीडियोस GTA वगैरह के वो देखती हूँ मैं, मुझे पसंद है गेमिंग भी लाइक मुझे पसंद है खेलना वगैरह। मिथपैट के बारे में तेरे पास से सुनना वाज लाइक काइंड ऑफ अ शॉक टाइप, क्योंकि ऐसे मिथपैट की ऑडियंस जनरली तो अज्यूम करते हो कि लाइक सिक्स स्टैंडर्ड से लेके लाइक टिल कॉलेज, लाइक लास्ट ईयर वाले लोग ही देखते होंगे मिथपैट. और लाइक उसमें तेरा लाइक जो इंक्लिनेशन, ऐसा लगता है कि लाइक क्लासिकल, और जैसे तूने बताया लाइक वो सोनिया परसुरे मैम लाइक अतुल परसुरे की वाइफ है वो, अगर यस किसी को करेक्ट राइट कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो. अतुल परसुरे इज अ कॉमेडियन, मराठी एक्टर इज अ एक्टर एंड अ वेरी वेरी वेल वर्स्ड राइटर राइटर कम मेन मतलब लाइक राइट नाट लाइक अ परफॉर्मर. इज अ वेरी वेरी गुड पर्सन, उनकी वाइफ है वो, शी इज ऑल्सो अ वेरी गुड परफॉर्मर. लाइक मैंने शायद से कोई एक शो था दादर में या फिर पुणे में मैंने देखा था वो शो उनका, अतुल परसुरे का था. और लाइक उसमें मतलब चार पांच लोग थे, लाइक सलील कुलकर्णी, अतुल परसुरे, राइट और एकदम एंड में या फिर स्टार्ट में था, आई डोंट रिमेम्बर, लाइक
मैं 7th या 8th में था, तभी देखा था मैंने, और उसमें लाइक सोनिया परसुरे मैम ने लाइक एक छोटा परफॉर्मेंस किया था, लाइक मतलब ओके फरमाइश ओके टाइप पे, तो लाइक राइट वो राइट, बहुत सही लगा था मुझे तभी। क्योंकि उनको वो किधर भी अगर लाइक जोड़ी के साथ गए तो सोनिया मैम को डेफिनेटली परफॉर्म करने को कोई ना कोई बोलते, छोटी बंदिश क्यों ना हो कुछ तो परफॉर्म करके इधर से जाइए, सर रहता है उनका वो तो। एंड मैं तो उनके एक भी लाइक ये नहीं मिस नहीं करती, ऑलमोस्ट जितने भी शो किधर भी लगे रहते, दादर हो विले पार्ले हो किधर भी हो, मैं जाके देखती ही हूँ। बट अभी फिलहाल थोड़े इस गैप में तो मेरा बहुत कॉलेज के इतने इसके यार इसके वजह से मेरा सब रह ही जा रहा है आजकल देखा गया तो। बट आई एम ट्राइंग टू सी हर न्यू न्यू परफॉर्मेंसेस अपकमिंग। एंड मैं जिस डांस टीचर के पास सीखती हूँ अभी, शी इज द स्टूडेंट ऑफ सोनिया मैम, उसमें भी मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ खुद को समझती हूँ कि किधर तो चांस आ सकता है अगर मेरे टीचर ने इंट्रोड्यूस करवाया था कि अगर परिणीता इज द अच्छी डांसर मेरे क्लास की या फिर अच्छी स्टूडेंट है तो उनके अंडर भी मैं कभी भी सीखने जा सकती हूँ, जिसका मैं बहुत वेट कर रही हूँ। विश लिस्ट है मेरी, ये फर्स्ट है मेरे विश लिस्ट में ये। GTA के बारे में कुछ बता, लाइक GTA और गेमिंग वगैरह, लाइक ये मतलब थोड़ा कॉन्ट्ररी है, लाइक हम लोग उल्टी लाइक ऐसे काइंड ऑफ इधर से उधर थोड़ा जंप करेंगे ऐसा हाँ लगेगा नहीं तो ऑडियंस को, ओके पर लाइक ऐसे मतलब कुछ कुछ जो टॉपिक्स है जैसे लाइक तूने मतलब मिडपैट का बताया, तो लाइक मिडपैट के बारे में बता दे, फिर लाइक गेमिंग के बारे में, लाइक तू GTA का नाम तूने स्पेसिफाई किया, और खुद मैं लाइक या GTA पावर रेंजर से, लाइक मैं 2000 की यस जनरेशन वाला हूँ, तो लाइक मुझे ये सब लाइक काउंटर स्ट्राइक हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, ये राइट राइट सारे गेम्स काउंटर लाइक स्ट्राइक कोई भी ये बिलीव नहीं करेगा, बट बीइंग अ गर्ल मैं GTA वाइस सिटी खेल चुकी हूँ, मैं GTA 5 खेल चुकी हूँ, मैं काउंटर स्ट्राइक पागल की तरह खेलती थी, मैं लॉकडाउन में बैठे बैठे COD एडिक्शन लगा था मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। बीइंग अ गर्ल आई डोंट थिंक सो एनी वन विल बिलीव, कि ये अभी जब ये सब लोग पॉडकास्ट सुनेंगे स्पेशली अपने कॉलेज वाले ना, दे ऑल विल बी लाइक परी ये भी करती है, मतलब क्लासिकल वगैरह तो बक बक करती रहती है बट उसके सिवाय ये मैडम ये भी कर सकती है। मुझे तो डेफिनेटली लग रहा है कि सबका रिएक्शन यही होने वाला है, मैं खुद ये सब गेम्स को एडिक्ट हूँ। एंड मिथपैट का अगर देखा गया तो जब मैं मिथपैट को लेकर इतना भी पहले से फॉलो नहीं करती थी, बट मैंने एक बार उसका GTA का एक वीडियो देखा था उसके बाद मुझे लगा अरे ये तो फुल उसका पेज GTA से भरा है जो मुझे पसंद है, GTA 5 ही इज प्लेइंग सिंस 7 ईयर्स और 10 ईयर्स समथिंग, ही ऑलवेज सीन एवरी वीडियो ऑफ उसका यूट्यूब पे, तो फिर उसको मैं फॉलो करने लगी। फिर उसके बाद समझा कि नहीं ये सिर्फ GTA नहीं, अलग अलग गेम्स खेलता है वो, देखा गया तो अपना बचपन का एडिक्शन वॉज मारियो। मैंने लाइक मारियो, काउंटर स्ट्राइक, GTA वाइस सिटी, GTA सैन या GTA एंड्रियास, वाइस सिटी, GTA सैन GTA एंड्रियास, फोर, करेक्ट GTA 5, फिर लाइक GTA 5 में तो एक्सपर्ट हो चुका हूँ मैं, लाइक मैं प्ले स्टेशन पे भी खेल चुका हूँ GTA 5, लाइक मेरे दोस्त के घर पे है, उसके प्ले स्टेशन पे मेरा अभी भी अकाउंट रहेगा, अगर मैंने उसको अभी भी कॉल करके बोला ना कि लाइक ब्रो मेरा PS के अकाउंट का साइन इन का पासवर्ड बताओ, वो मेरे को बताएगा, लाइक उसके प्ले स्टेशन 4 पे पड़ा हुआ है मेरा GTA 5 का लॉगिन, लाइक फिर मैंने मेरे कंप्यूटर पे भी डाउनलोड किया था लाइक लॉकडाउन के टाइम पे GTA 5, और लाइक उसमें मैं खेल रहा था भाई, और लाइक काउंटर स्ट्राइक वगैरह तो बचपन से चलते आ रहा है, बचपन से, बहुत बचपन से, करेक्ट करेक्ट काउंटर स्ट्राइक, GTA Vice City वॉज लाइक मेरा 4th स्टैंडर्ड का ड्रीम, कि लाइक ये दो गेम्स मेरे को मिल गए मेरे लैपटॉप पे, लाइक मेरा लैपटॉप भी उतना हाई एंड नहीं था, लाइक बहुत एकदम बेसिक लैपटॉप था, पर उस पे भी लाइक ये दो तीन गेम्स मेरे चल गए, लाइक मिनी क्लिप के लाइक उस गेम्स टाइम डाउनलोड होते थे टाइम पे। पहले, तेरे को मिनी क्लिप मालूम है, लाइक मिनी क्लिप जो वेबसाइट थी उसके गेम्स आते थे, ना नहीं उसका इतना आइडिया नहीं है बट 8 बॉल पुल, सुना एट हुआ लग बॉल रहा है, पुल बट वगैरह, अच्छा हाँ राइट राइट ओके हाँ तो लाइक मिनी क्लिप के लाइक गेम्स खेलता था मैं, और लाइक मेरे पास एक पेन ड्राइव थी मेरी सैंड डिस्क की, वो पापा ने मेरे को ऐसा स्पेशली बचपन में लाके दी थी कि लाइक हे घे इसके अंदर तेरा जितने गेम्स है सब डाल, लाइक डाउनलोड करके मैं तेरे को देता हूँ, और लाइक तू अपने टाइम पे लाइक पढ़ाई करने के बाद मैं तेरे को 1 आवर 2 आवर लाइक 1 आवर 1.5 आवर खेलने दूंगा उसको ये, सब ये खेल भी लेना कभी तो। हाँ लाइक वो मतलब ऐसे 4th स्टैंडर्ड में सपना ही था एकदम ऐसा कि भाई ये गेम मिल गया ना बस हो गया मेरा जिंदगी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और लाइक इसके बाद मैं डायरेक्ट संन्यास लेने चला जाऊंगा नहीं वैसे बट लाइक एट दैट टाइम वो एटमोसफियर हम लोग का उस टाइम जब गेमिंग का वो अलग था अपना कुछ, बहुत ही अलग था वो
वो स्पेसिफिक टाइम जो पहले का था हम लोग का, क्योंकि मुझे याद है व्हेन इट वाज लाइक हम लोग का सब ऐसे सेकंड सेमेस्टर वगैरह खत्म हो जाता था, और हम लोग का जब समर वेकेशन स्पेशली वो जो रहता था, मैं पूरा समर वेकेशन सिर्फ कंप्यूटर पे, जैसे लाइक मेरा कंप्यूटर नहीं था, वो मेरे मामा का कंप्यूटर था, और उसमें तो मेन चीज वो आके जब बैठता था ऑफिस का काम ही करता था, वो जैसे निकला ऑफिस के लिए मैं जो जाके बैठती थी, मैं लिटरली लंच वगैरह सब छोड़ के GTA वाइस सिटी ही पागल की तरह खेलते बैठती थी, और काउंटर स्ट्राइक, ये दो तो मेरे मेन थे, मेन गेम्स मेरे। और जब बाद में उसने मेरे भाई ने फिर ये GTA 5 मेरे को जब दिखाया, तब GTA 5, तो फिर वो लॉकडाउन तो मेरा GTA 5 और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में ही गया है, बाकी किस में भी नहीं गया मेरा लॉकडाउन। मैं कभी कभी ऑनलाइन लेक्चर्स बंक मार के मैं मतलब मम्मी को बोलती थी हाँ बैठ रही हूँ, बट समटाइम आई यूज टू प्ले COD मोबाइल डाउन लैपटॉप के नीचे मैं बैठती थी खेल के, और कभी कभी मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत मिस किए मेरे, पहले का काइंड ऑफ जमाना बहुत सही लगता था। लाइक बहुत सही मतलब था। YCT के जो कुछ कुछ कोड्स है ना, लाइक सीवेज हो गया, फिर लाइक पैंजर हो गया, ये ऐसे कोड्स, ऐसे ऐसे क्या होता है, टैटू हो गया है मेंटली, कि लाइक किसी ने भी मेरे को आधी रात को भी उठा के लाइक GTA के चीट कोड बता, तो ऐसे लाइक अभी एकदम फटाफट फटाफट से चीट बता कोड देता। बता लाइक सकते हैं हम लोग, राइट 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 राइट, मैंने वो अलग था। लाइक मेरे घर मैं मेरा जो अभी डेस्कटॉप रखा है ना, उस जगह पे लाइक बचपन में एक वॉल है लाइक मेरे घर पे, तो वो वॉल के ऊपर ना मैंने सब पेपर पे GTA के सारे चीट कोड्स लिख के रखे थे। लाइक मैं इतना फैन था GTA का कि लाइक GTA के सब कोड्स याद रहने चाहिए गेम खेलते वक्त। बट उस टाइम का वो फुल पूरा अलग था। बट अब हम लोग लाइक मैं वही कभी कभी सोचती हूँ, अभी हम लोग फिलहाल 11th स्टैंडर्ड में, अभी इतने हम लोग पुरानी बातें कर रहे हैं, आगे जाके तो क्या क्या याद आने वाला है, तब तो हम लोग कितने ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेच्योर्ड इंसान की तरह बात करने लगेंगे तब तो, बाप रे। तू GTA 6 के लिए वेट कर रही है अभी? लाइक लेटेस्ट आने वाला, लाइक बहुत साल हो गए इसको, 2013 में GTA 5 लॉन्च हुआ था, उसके बाद अभी 10 ईयर्स हो गए, GTA 6 आया ही नहीं है। फिलहाल नहीं, फिलहाल मैं नहीं, वेट तो मेरा चालू था, बट फिलहाल मैंने खुद ही वेट वो रोक के रखा है, क्योंकि हम लोग का कंप्यूटर ही खराब हो गया, इसलिए वो चांसेस बहुत कम है कि मैं GTA अभी कभी खेल सकूंगी, बहुत चांसेस कम है, क्योंकि वो जो मरा पड़ा है कंप्यूटर वो कोई ठीक ही करने को नहीं मान रहा है, एंड द ओनली रीजन इज कि आई प्ले GTA एवरी टाइम व्हेन आई सिट ऑन द कंप्यूटर इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर, इसलिए ऑल आर लाइक कि नहीं करेंगे ही नहीं, बट कितना भी अगर बोला नहीं खेलूंगी बट यार लेकिन नहीं, तेरे हमें पता है तेरा एडिक्शन कितना हो गया, क्योंकि मैं रह ही नहीं सकती, मेरे को गेमिंग लगता ही है, इसलिए फिर जब समझा ये लोग कर ही नहीं रहे कंप्यूटर का, तो फिर मैं लॉकडाउन में COD में आ गई, फिर कॉल ऑफ ड्यूटी, वो भी गंदा वाला एडिक्शन, फिर तो खाना कब खा रही हो और 10 कब बज रहे हो, और मेरा पूरा ग्रुप आके बैठ रहा है COD खेलने को 10 के 11 11 के 1 2 बजे तक फालतू में, फिर एक विशेष, और मेरा लाइक फर्स्ट कॉन्वर्जेशन भी पबजी के बारे में ही था। लाइक मतलब पॉडकास्ट पे हम लोगों ने उतना बात नहीं किया, लाइक एपिसोड रिलीज हो गया, पर लाइक नहीं हम मैंने लोग वो सुना उसका स्पेसिफिक नाम, तो मैं आज मेरे मेरा पॉडकास्ट है तो मैं पक्का लूंगी उसका स्पेसिफिक नाम, विल्सन कॉलेज का, तो सेक्सिका का वो फेमस है। लाइक हम लोग का फर्स्ट लाइक जब बात हुआ था ना, तभी लाइक हम लोग का टॉपिक पबजी और लाइक ऐसे और फिर तुम नॉर्मल लोग की फिर वाइफ लॉकडाउन मैच वगैरह ही हुई था। होगी। हाँ, लाइक विशेष वॉज द फर्स्ट पर्सन आई मेट इन कॉलेज। लाइक हम लोग दोनों जो हम लोग का ओरिएंटेशन डे था ना, तभी मिले थे। लाइक तब से अभी तक हम लोग का अच्छा है, लाइक चल रहा है। नाइस। GTA लाइक एक कल्चरल मतलब ऐसे फिनोमेना था, लाइक टाइप था, जैसे गेमिंग हो गया, लाइक गेमिंग, GTA, पबजी, फिर ऐसे जो GTA के क्या बोलते रोल प्ले टाइप गेम्स होते थे बहुत ज्यादा। लाइक मिथपैट के भी जो पुराने वीडियोस है अगर तू देखेगी तो वही है, राइट लाइक राइट राइट रोल राइट प्ले टाइप करता है कि लाइक आज मैंने GTA में ये किया। लाइक पहले वो काइंड ऑफ फेस था, अभी गेमिंग इज वेरी वेरी डिफरेंट। अभी इट्स या लाइक ऐसे डिवाइडेड टाइप है एकदम, ऐसे कैजुअल गेमर्स हो गए जैसे तन्मय भट्ट, फिर लाइक गेमर फ्लीट हो गया, फिर लाइक टेक्नो मतलब गेमर्स, हाँ लाइक वैसे काइंड ऑफ रचित रो, हाँ, लाइक वैसे सारे सबके सब रॉनी वगैरह सब ऐसे लाइक कैजुअल गेमर्स है, फिर लाइक कुछ कुछ एकदम ऐसे सीरियस गेमर जैसे लाइक बीस्ट राइट बॉय शुभ राइट हो राइट गया, बीस बॉय शो, या फिर फिर या लाइक करेक्ट, थोड़े कैरी प्रमाण मिराटी में ने भी बीच बीच में वो कौन सा वो गेम था बीच में, वो सब लोग ऐसे इरिटेड होते वो खेलते समय, वो गेम का नाम, अरे यार मिथपैट ने उसको नाम दिया तो मटके में फंसा हुआ इंसान करके। मिथपैट अच्छा है। लाइक मिथपैट के चैनल लाइक
काइंड ऑफ वो फैमिली फ्रेंडली भी है, पर लाइक मजाक भी मेरा अच्छे से यूट्यूब करता है। पे, मेरा यूट्यूब मिथपैट से भरा पड़ा है पूरा। जब देखूं यूट्यूब खोलूं मिथपैट का ही आता है पूरा। उसने पहले एक था थगेश शो, जो उसने भी नया स्टार्ट किया, उसमें मिथपैट एंड वो साइमन सेज वगैरह गए थे। तो उसमें थगेश ने बोला था कि तूने पहले यूट्यूब जेटीए से भर दिया, फिर अभी तूने व्लॉग से भर गया। तो मेरे को अच्छा अच्छा लगा थोड़ा कि हाँ अभी व्लॉग्स का भी है, और वो नेटफ्लिक्स के भी डालता है बहुत सारे। मिथपैट की रिसेंटली शादी हुई, उसके बारे में तेरा क्या शादी, कहना है? अरे आई एम हैप्पी, बट एज थोड़ा सा, अरे क्या मतलब, कुछ तो अलग ही लाइफ, यूट्यूब वालों की अलग ही कुछ तो लाइफ है। तो उसके शादी ने पूरे यूट्यूब इंडिया को कॉन्टेक्स्ट देके रखा है। एक्चुअल में देखा गया तो इतने रील्स, इतने शॉर्ट्स मुझे उसकी शादी के आ रहे, प्लस उसका उस मैं तो वेट कर रही थी इसका शादी व्लॉग कब आ रहा है दोनों के इस पे। सोशल मीडिया आजकल लाइक बहुत पावरफुल हो गया, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। लाइक सोशल मीडिया हो गया, फिर लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रेडिट, और लाइक ऐसा मतलब टिकटॉक भी। एक टाइम पे टिकटॉक भी बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, लाइक लॉकडाउन के टाइम पे सब लोग टिकटॉक बना रहे थे। लाइक टिकटॉक पे मैंने एक बार लाइक ऐसे ही मतलब मैंने 1 या 2 घंटे के लिए डाउनलोड किया था टिकटॉक, मैंने डिलीट कर दिया था। मेरे को ऐसा बहुत बुरा लगा खुद से कि लाइक ये मजा नहीं आ रहा है इसमें, और मैंने डिलीट कर दिया था। पहले को 2 घंटे में मैं ऐसे लाइक स्क्रॉल कर रहा था, और रैंडम मेरी एक मैथ्स टीचर थी लाइक स्कूल की, ओह वो माय पॉप आउट गॉड, हो गई थी उनकी रील, और वो इतना ऐसे लाइक वियर्ड हो गया। और मैम ये कैसे कर सकती है, लाइक क्लास में तो एकदम सीरियस रहती है और लाइक बहुत चिल्लाती वगैरह है, और लाइक यहाँ पे मैम गानों पर डांस कर रही है, वो वियर्ड लग रहा था बहुत। तो तेरे अकॉर्डिंग लाइक ऐसा मतलब पूछे तो सोशल मीडिया का फ्यूचर क्या, और लाइक ऐसे क्या बोलते हैं वर्तमान में प्रेजेंट में सोशल मीडिया का लाइक क्या हाल चाल है तेरे अकॉर्डिंग? क्योंकि तू भी एज अ परफॉर्मर वो तू यूज करेगी उसको एज अ टूल, तो लाइक तू ऐसे क्या कहना चाहती हो इस टॉपिक के बारे में? आंसर तो मैं डेफिनेटली दे रही हूँ, बट सॉरी एक बीच में मुझे याद आया वो गेम का नाम जो मैं याद कर रही थी, उस गेम का नाम था गेटिंग ओवर इट। गेटिंग ओवर इट का ज्यादा ही हुआ था, बीस्ट बॉय का और कैरी मिनाटी, और फिर वो मिथपैट ने भी खेला है दैट टाइम, पूरा अपोजिटली देखा गया तो उनके हिसाब से। हाँ बट अभी इसका आंसर डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन है, एंड सोशल मीडिया का अभी के प्रेजेंट और फ्यूचर जैसे तुमने पूछा, प्रेजेंट में सोशल मीडिया तो बहुत ज्यादा क्रेजी जा रहा है देखा गया तो। एक ऐसे थोड़ा थोड़ा अगर देखा गया तो यूज के लिए थोड़ा फार अच्छा है, अच्छे यूज के लिए भी है। लाइक अभी पास्ट की चीजें आजकल लकीली सोशल मीडिया पे, अभी अगर फॉर एग्जाम्पल इंस्टा इंस्टाग्राम देखा गया, फिर अभी यूट्यूब अगर देखा, पास्ट की चीजें इजिली आजकल सर्च करने के बाद 0.1 सेकंड में मिल जाता है। बट इसका ये भी एक अच्छा साइड हो गया, बट एक अगर थोड़ा उसका एग्जैक्टली अपोजिट अगर उसका साइड देखा गया तो फिर बहुत क्रेजी जा रहा है, एंड बहुत अलग लेवल पे लोग उसको अलग, एक थोड़ा वियर्ड टाइप भी लोग यूज कर रहे हैं आजकल सोशल मीडिया को। बच्चे लोग भी आजकल जो चाहिए वो सर्च करके उसको कॉपी करके रील्स वगैरह बनाते हैं, छोटे बच्चे, जो कि एक्चुअल में अच्छा नहीं है। लोग कॉन्टेक्स्ट के लिए रील बनाते हैं, या फिर उनको लाइक एट एनी कॉस्ट बनाना पड़ता है, लाइक यूट्यूब पे वीडियो या फिर इंस्टा पे लाइक थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए, उनके फॉलोअर्स के लिए रील, या फिर वो सब करेक्ट है उनके हिसाब से। बट छोटे बच्चे भी आजकल इतना एडिक्टेड सोशल मीडिया को, एंड फोन कभी भी देखो कौन सा भी बच्चा किधर खेलते हुए, या फिर अपने जो पुराने लाइक गेम्स रहते थे टॉप पे खेलना, या फिर जो भी पुराने गेम्स है वो खेलते हुए नहीं देखेंगे लोग, लाइक दिखेंगे हम लोग को फोन लेके बैठे। एक बच्चा फोन विदाउट फोन नहीं बैठ सकता। बट दिस इज अ प्रेजेंट, अभी का देखा गया तो। अभी फ्यूचर का भी, फ्यूचर में जो लोग भी अभी कर रहे हैं लाइक काम कर रहे होंगे उसपे, उनको सिर्फ इतना समझना चाहिए कि इसके वजह से ले ज्यादा लाइक ओवररेटेड भी ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी असर ना पड़े कमिंग जनरेशन पे। जो करना है अच्छा करो, और जो पॉजिटिव्स है उनको हाईलाइट करो, पर लाइक इन अ वे जो नेगेटिव्स है उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए और उनके बारे में भी वर्क करना चाहिए इन दैट वे। थोड़ा पॉजिटिवली जान से, बट ये आजकल थोड़ा एटमोसफेयर बहुत नेगेटिव हो गया है सोशल मीडिया के वजह से। जो आता है कुछ भी के डालता है सोशल मीडिया पे, लाइक्स मिलते फेमस हो जाता है 0.1 सेकंड में। इधर से मैं खुद दूसरे चैट पे सेंड कर रही हूँ, वो कितने मिनट में आगे लोग भेजते होंगे वो हम लोग को भी नहीं पता। और वैसे करते करते लोग फेमस क्यों होते मुझे सच्ची में नहीं पता, जस्ट फॉर कुछ भी कॉन्टेक्स्ट एंड कुछ भी वियर्ड सब्जेक्ट्स, कुछ भी चलता रहता है देखा गया तो। और इसका दिस इज एंडलेस एक्चुअल में देखा गया तो, एक ये लूप के आगे जाके जैसा, तो छोटे बच्चों पे बहुत भयानक होने वाला है मुझे तो लग रहा है।
तेरे अकॉर्डिंग सोशल मीडिया और एक हम लोग सीरियस चीजों के बारे में थोड़ा बात कर रहे हैं, तो आई लाइक टू आस्क यू कि लाइक इन जनरल डू यू फील कि ऐसे लाइक एक्सेप्टेबिलिटी जो सोसाइटी में वो थोड़ी बढ़ गई है या फिर लाइक कम हो रही है, या फिर मतलब जो पहले के ऐसे टॉपिक्स है जैसे तूने बताया कि लाइक पहले लोग थोड़े ओल्ड फैशन थे, थोड़ी पुरानी राइट मेंटालिटी राइट के थे, राइट थोड़े कंजर्वेटिव थे, पर अभी लाइक सोशल मीडिया की वजह से लोग ओपन अप हो गए हैं, लाइक ओपन अप हो गए हैं, और वो लाइक नए नए टॉपिक्स है उसके बारे में एक्सेप्टेबिलिटी और लाइक क्या बोलते हैं ऐसा जनरल होते जा रही है चीजें जो पहले बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी या फिर बहुत राइट एक्सट्रीम समझी राइट जाती राइट थी। राइट राइट नहीं बट देखा गया तो एक्सेप्ट हर चीज को हमें करना चाहिए हमारे लाइफ में. हम लोग जैसे लाइक जैसे जनरेशन बढ़ रही है या फिर वो सब सब लोगों को एक्चुअली सब कुछ एक्सेप्ट करना चाहिए आजकल. हर एक के मेंटालिटी के हिसाब से आना चाहिए. बट देखा गया तो जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था मेरे लाइक मम्मी के बारे में, उस टाइम जो मेंटालिटी थी 90s या फिर हम ओल्ड फैशन लोगों की, वो आजकल भी है, खत्म नहीं हुए. देखा गया तो मैं खुद पर्सनली देखा गया तो मेरे घर पे आज भी वो मेंटालिटी है. वरना मुझे आज के इस 2023 में भी मेरे को कोई घर पे नहीं बोलता कि बाबा कत्थक बंद कर और कुछ अलग कर करके. कुछ कुछ है अभी भी मेरे लाइफ में जो अभी भी मेरे को कल परसों तक मेरे घर पे या फिर मेरे फ्रेंड्स और जो भी है, मैं नाम दे लूंगी उनका डेफिनेटली, बट मेरे को बोल रहे थे कत्थक से क्या आने वाला है, कत्थक में तेरा कुछ भी प्रोफेशन नहीं होने वाला बेटा, तू जॉब भी कर आगे जाके, छोड़ दे पैशन. बट आई एम लाइक कि नो, एक्सेप्ट करो ना मुझे, उल्टा तुम लोग एनर्जी देना चाहिए. तो तुम लोग ये क्या हो, लाइक मेरी एनर्जी बूस्टअप करना चाहिए तो मेरी एनर्जी को ऐसे धड़म करके नीचे गिरा रहे हो. एंड जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. एक्सेप्ट करना, चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो. तुम लोग जो एडवाइस दे रहे हो मैं सुन रही हूँ, उस पर मैं डेफिनेटली थोड़ा थिंक करेगी. जैसे मैं पूरा तुम लोग को ना नहीं बोल रही हूँ ऐसा नहीं है, मैं तो उल्टा उसको पॉजिटिव वे में देख के आगे जा रही हूँ. बट तुम लोग मेरा एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं भी तुम लोग का डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं करूंगी. ये आजकल का लाइक चालू है, गिव एंड टेक सबका अलग अलग रहता है. बट एक्सेप्ट करना हर एक चीजों को, लाइक फिलहाल अभी के जनरेशन के हिसाब से अगर देखा गया तो हर एक चीज सबको एक्सेप्ट करनी चाहिए. एंड आजकल जो पीछे के अपनी जो जनरेशन है बच्चों की, उनको तो बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करना चाहिए. वरना आजकल थोड़ा भी लाइक घर पे जैसे किचकिच कटकट हो गया तो बच्चे टोटली यार लाइक वो जो नेगेटिव पार्ट ऑफ देयर लाइफ, कुछ भी करने को लाइक रेडी रहते हैं बच्चे. इट इज नॉट राइट. सो हम लोग जैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं सब चीजों को, वैसे हमारे सब बड़े लोग भी हम लोग को अगर एक्सेप्ट करके चले तो आई थिंक देर विल बी अ वेरी नाइस कनेक्शन बिटवीन अस, आई थिंक. क्योंकि ये मेरे साथ भी बहुत हुआ है, बहुत चीजें मेरे साथ भी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होती मेरे घर पे वगैरह भी. तो मैं एक टाइम पे इतना गंदा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि क्या मतलब भाई एम आई लिविंग, इतने में दिमाग पे आजकल ज्यादा मतलब इस स्टेज पे मैं आती हूँ. एंड ये बहुत जनों ने, मेरे भी पहचान वालों ने किया है लिटरली. अब हम लोग को एज पर क्या मतलब थोड़ा आजकल का जो न्यू जनरेशन है लाइक फुल ऑन यू नो ऐसे मजा मस्ती या फिर फ्रीडम, हमें फ्रीडम नहीं दे रहे, हमें ये नहीं दे रहे, हमें वो नहीं दे रहे, घर वाले सुसाइड करते हैं वो, ऐसे बहुत चीजें मेरे फ्रेंड्स ने की है जिनको हमारे लाइक कल्याण में, मैं जिधर रहती हूँ हमारे मेरे कल्याण के ग्रुप ने उसको बचाया लिटरली. मेरे एक फ्रेंड को इतना उसको वो ओवर पूरा हो गया था और इतने लेवल पे आ गई थी. तो आई लाइक कि दिस इज नॉट राइट. अगर एक बच्चा कुछ दे रहा है एडवाइस तो उसके हिसाब से भी थोड़ा जाओ. अगर आप एडवाइस चलो टोटली नॉट वर्थ तो आप आपके तरीके से समझाओ उसको, चिल्लाना मत शुरू करो हाँ तू फोन ही बंद कर, तू यही बंद कर, तेरा थिंकिंग ही गलत है, तेरे ये फ्रेंड्स के साथ तू रहता है इसलिए इनके साथ तू रह के बिगड़ गया एंड ऑल दैट स्टफ व्हिच इज नॉट राइट आई गेस. सो एक्सेप्टिंग द सिचुएशन या फिर एक्सेप्टिंग द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू हाउ ही इज और शी इज, दैट इज द मेन थिंग लाइक अभी के हिसाब से अगर देखा गया तो प्रेजेंट टाइम का. मेरे को भी स्टार्टिंग में सुनाया था जब मैं नया नया कॉलेज में गई एंड मुझे थोड़ा वो कॉलेज सब मेरे को बोले कॉलेज की हवा लग गई, कॉलेज की हवा लगी तेरे को, तू क्या ऐसी बिहेव करेगी, सोबो गर्ल्स की तरह बिहेव करेगी उधर जाके. लाइक नो दिस इज नॉट राइट. हर हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव रहता है कि इस सिचुएशन में मुझे कैसे बिहेव करना है, मैं उसके हिसाब से जाऊंगी. तो आई थिंक दिस इज एक्चुअली द मेन एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक आई वुड से. राइट चीजों की अंडरस्टैंडिंग चाहिए लोगों में, और लाइक अंडरस्टैंडिंग इन अ वे कि सब चीजें एक्सेप्ट करो ऐसा नहीं है, कुछ चीजों के बारे में स्ट्रिक्ट रहना इज वेरी वेरी करेक्ट, क्योंकि अगर हम देखें तो लाइक मतलब एक एक लिमिट तक हम लोग को कंट्रोल में रखना, लाइक थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना हमारे पेरेंट्स ने किया, और लाइक हम हमारी मतलब पहले की जनरेशन के साथ भी हुआ था, जिसकी वजह से इन अ वे
थोड़ा सेफ प्ले कर रहे हैं हम लोग, और हर ही चीज को एक्सेप्ट करके उस सेफ प्ले को हम डिसरप्ट नहीं कर सकते ना. ये मतलब थोड़ा वियर्ड लगेगा, मतलब ऐसे करंट जनरेशन के, मतलब जो मेरे एज के दोस्त हैं और या फिर लाइक हमारे कॉलेज के जो 3-4 लोग हैं उनके साथ मैं जब राइट ऐसे टॉपिक्स पे बात करता राइट हूँ कि उनका रहता है कि भाई तो फिर तो तू लाइक कंजर्वेटिव हो गया, ओल्ड फैशन ही हो गया ना. आई एम लाइक कुछ कुछ चीजों के बारे में हम लोग को राइट थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना इज करेक्ट ना. रहना अगर ही वो चीज करेक्ट है, थोड़ी राइट हार्मफुल है, मतलब उसके बारे में अगर हम सेंसिबल रहे, वो चीजें समझ के लें. ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि उस टॉपिक को डिस्ट्रॉय कर दो कि लाइक इसके बारे में बात ही नहीं होनी चाहिए. आई एम लाइक इसके बारे में बात करो, समझो, समझाओ, और लाइक प्रोज एंड कॉन्स एक्सप्लेन कर दो अपनी फ्यूचर जनरेशंस को, और जो भी मतलब तुमको लगता है किसी पर्सन को इस चीज की, इस सपोर्ट की जरूरत है, उन्हें पूरा कॉन्टेक्स्ट दे के समझाओ. ऐसा नहीं कि लाइक ये नहीं करना है तो नहीं ही करना है. इन इन दैट वे आई एम टॉकिंग. राइट राइट करेक्ट एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू कि बाहर बच्चों को छोड़ना फ्रीडम, या फिर हम लोग तो बिल्कुल ऐसा नहीं बोलते कि पापा मुझे पूरा ही फ्रीडम दो. नहीं, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस इज ओके, बट व्हेन अपने भी मेरे साथ भी हुआ है कि तू बहुत ओल्ड फैशन्ड है एंड फिर तू क्या तू आजकल मम्मी का तू किधर भी गई तो मम्मी का फोन आता है तेरे को 10 बार, किधर है क्या है पूछने को अगर. बट आई एम लाइक नो, इन हर वे शी इज राइट, क्योंकि उसको चिंता है बाबा अपने डॉटर की. उल्टा तुम लोग के मम्मी पापा के फोन नहीं आते तो तुम लोग को तो क्या ऐसे छोड़ ही दिया, देखा गया तो एक्चुअली कुछ कुछ जनों को आएगा गुस्सा, आई श्योर, एंड गुस्सा आने दो. आई सीरियसली से दिस, आई सीरियसली से कि मुझे नहीं आजकल अब फर्क पड़ता. मैंने अभी जैसे 11th में हम लोग आए हैं, थोड़ा मुंबई का वो कॉलेज का देखा एटमोसफेयर, उधर के थोड़ा एटमोसफेयर देखने के बाद मुझे लगा कि रियल फेसेस समझ में आते हैं आजकल सबके. एंड बाबा मैं जैसी हूँ, एक्सेप्ट करना है तो करो करो, वरना राम राम. मैं आजकल वैसे ही हो गई हूँ कॉलेज में. जितना भी करंट, तुझे भी पता होगा अपना जो करंट झगड़ा हुआ था इसके साथ, तो कॉलेज में रियल फेस देखने के बाद क्या नहीं बाबा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हो ही नहीं सकता, मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकती, तो फिर मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाएगा. मैं तो आजकल इतने लेवल पे और जरा फेसेस समझने लगी हूँ, इसलिए अभी मैं थोड़ा एक स्टेप थोड़ा उन स्पेसिफिक लोगों से तो एक स्टेप बैक ही रहती हूँ. हम जिसके साथ मेरी वाइब मैच होती है तो उनके साथ तो मैं फुल ऑन पूरा ऐसे पूरी पूरी ही फ्री रहती हूँ. मैं कुछ कुछ भी ऐसे थिंक नहीं करती क्या सोचेंगे या फिर कुछ, नहीं ऐसा है मेरा तो. मेरा पर्सनल चीज तो यही है. टॉलरेंस के बारे में तेरा कहना क्या है? लाइक एक्सेप्टेबिलिटी के साथ क्या बोलते हैं, एक सेकेंड हैंड जो सेकेंड ओपिनियन रहता है लोगों का, टॉलरेंस के बारे में रहता है. लाइक टॉलरेंस के बारे में तेरा कहना क्या है? क्योंकि हर चीज को ही हम टॉलरेट कर ले ऐसा नहीं है. कुछ चीज़ों को समझ के शांत रह के एक सर्टन लेवल ऑफ रिप्लाई देना पड़ता है. एंड आई एम नॉट टॉकिंग कि हर रिप्लाई शुड बी बजा के रिप्लाई नहीं देना है, कभी कभी शांत रिप्लाई भी बच जाता है, लाइक इन दैट वे. राइट 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 एक स्पेसिफिक टाइम पे ऐसे एक पीरियड आ जाता है कि सब टॉलरेट, हम लोग का सब टॉलरेट कर रहे कर रहे कर रहे, बट एक बार अगर वो आउट ऑफ लिमिट गया, वो एक ऐसे बॉम्ब फूटता है, देखा गया तो सब सुन पूरा अंडर प्रेशर डाल रहे डाल रहे डाल रहे, बट एक टाइम पे हम लोग जब बस्ट आउट होते हैं वो एक एक्चुअल में देखा गया तो पर्सनली बहुत गंदी गंदा टाइम पीरियड रहता है उतना अपना, क्योंकि हर एक चीज को टॉलरेट करो, करना करना तो करो, या फिर एक पॉजिटिव वे में लेके करो, ऐसे नेगेटिव वे में नहीं कि हाँ मेरे को ये टॉलरेट करना पड़ रहा है या फिर ये मेरे को सुनना ही पड़ रहा है, मेरे को ये ऐसे अंडर प्रेशर ही डाल रहे घर वाले. नहीं, कुछ कुछ चीजों की वजह से हम लोग को होता है कि एक स्पेसिफिक ऐसा टाइम आएगा कि जिधर टॉलरेट करना पड़ रहा है, बिकॉज वो सिचुएशन के हिसाब से हम लोग का हम लोग की सिचुएशन उस सिचुएशन से मैच नहीं हो रही, तो उधर टॉलरेट अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए ना थोड़ा लाइक. करना पड़ता है. राइट हाँ, टॉलरेट करना पड़ता है, विच इज आई थिंक राइट. अगर टॉलरेट थोड़ा किया तो बुरा नहीं होने वाला है तुम लोग की लाइफ लाइफ में, उल्टा उस टाइम तुम लोग को लगेगा नहीं थोड़ा टॉलरेट किया अच्छा हुआ, अभी उससे अच्छा तो अभी का प्रेजेंट टाइम मेरा अच्छा जा रहा है. ऐसे कभी भी थिंक हम लोग का पूरा अपोजिट हो सकता है देखा गया तो. सोसाइटिकली तेरा कहना क्या है? लाइक टॉलरेंस, एक्सेप्टेबिलिटी, और लाइक जो भी हम लोगों ने टॉपिक्स के बारे में बात किया लाइक इस पॉडकास्ट में, लाइक सबके बारे में तेरा कहना क्या है? लाइक सोसाइटिकल परस्पेक्टिव से, लाइक एज अ सोसाइटी, नॉट एज लाइक परिणीता पवार और नॉट फ्रॉम माई साइड एज लाइक रितेश बांदेकर. एज पर सोसाइटी देखा गया तो बहुत ऐसी चीजें हैं जिसमें सोसाइटी को बहुत चीजें एक्सेप्ट भी करनी चाहिए, एंड ऑब्वियसली सोसाइटी भी बहुत कुछ कुछ टॉलरेट करती है अपने हिसाब से. नॉट मैं उस पर तो पूरा पर्सनली नहीं जाऊंगी, बट
एक्सेप्ट अगर कुछ सोसाइटी को करना चाहिए तो आई वुड से कि थोड़ा कमिंग जनरेशन का थिंकिंग के हिसाब से, आई नो थिंकिंग पूरा अच्छा ही होगा, बिल्कुल नहीं, कुछ कुछ गलत रास्ते पे भी थिंकिंग हो सकता है, बट थोड़ा कुछ तो कमिंग जनरेशन का थोड़ा थिंकिंग बिहेवियर या फिर जो भी ओवरऑल है उसको एक्सेप्ट करना. जैसे कि मैंने अभी जैसे बोला कि अभी अगर जैसे इस पॉडकास्ट का एक पूरा बीच में जो हम लोग बात कर रहे थे कि बॉलीवुड एंड क्लासिकल, उसको भी एक्सेप्ट करके आगे चलो. जो मुझे पर्सनली करवाने का है पूरे सोसाइटी को, ये थोड़ा ध्यान में लाके देना है और एक्सेप्ट करवाने को ही मुझे एज अ पूरा स्पेशली वो सब्जेक्ट हाईलाइट करने की मेरी पर्सनली बहुत इच्छा है कि मुझे पूरा उनको एक्सेप्ट करवाने का ही है कि नहीं क्लासिकल भी है, मत हटो इससे, बॉलीवुड तो है ही, वो तो आजकल के बच्चे यू पॉइंट ऐसे यू सीख जाते हैं देखा गया तो, बट क्लासिकल को बहुत टाइम लगता है, बहुत साल देने पड़ते हैं, वो मुझे एक्सेप्ट करवाना है सोसाइटी को, बट ओवरऑल देखा गया तो पूरे पूरे सोसाइटी का आई थिंक थिंकिंग तो सब थिंकिंग इज द मेन पार्ट एंड थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग यार, उसके सिवा कुछ नहीं चलता सोसाइटी में, जो ओवरऑल बाकी लोगों को भी करना चाहिए मुझे लग रहा है. अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अंडरस्टैंडिंग नहीं करोगे तो फिर खत्म, उधर ही फिर सब वैसे खत्म हो जाता है. मॉडिफिकेशंस और अमेंडमेंट्स की भी जरूरत है. मतलब तेरे पॉइंट्स में कुछ ऐड करना है तो आई लाइक टू से कि मॉडिफिकेशंस की जरूरत है. मॉडिफिकेशंस एंड थोड़ा सा अलग वही उसमें वही आता है, थिंकिंग ही बदला तो ही सब आई थिंक बाकी का सब बदलेगा, मुझे तो लगता है थोड़ा मॉडिफाई करो खुद को भी, अप्रोच थोड़ा ऑफ अलग थिंकिंग. डिस्कवर करो, एक्सपोज करो नए नए चीजों में, नया कुछ तो डिस्कवर करो, वही मेंटालिटी लेके आगे जाओगे तो प्रेजेंट टाइम में तो वो मेंटालिटी नहीं चलेगी बिल्कुल भी, थोड़ा खुद को अलग लेवल पे एक्सपोज करो, बाहर जाके दुनिया देखो, मैं तो बोलूंगी जो हम लोग अभी देखना चालू किए डायरेक्टली 11th में, डायरेक्ट मुंबई पे हम लोग ने ऐसा जंप लिया, थोड़ा बाहर की दुनिया समझ रही है, आई थिंक ये तुझे भी लग रहा होगा कि इधर तो पर्सनली उधर जाके उधर का लोगों का मेंटालिटी, उधर के थोड़े लोगों का बिहेवियर एंड सबका बोलने में थोड़ा अलग स्टाइल, थिंकिंग पावर तो अलग लेवल की, थिंकिंग पावर उधर जाके हम लोग को अभी समझ रहे कि थिंकिंग पावर उन लोग का कैसे, उनका स्टडी या फिर ओवरऑल उनका लाइफ कैसे रहता है, छोटे छोटे चीजें समझ में आते हैं और उससे इंसान ग्रो अप होता है, एक्सपोज करता है खुद को, अगर तुम लोग वो भी नहीं तो एक्सेप्ट करोगे तो फिर आई डोंट थिंक उन स्पेसिफिक लोगों के लाइफ में कुछ होगा, मैं तो बोलती कुछ नहीं होगा, फिर तो सड़ेंगे, मैं तो डेफिनेटली यही वर्ड यूज करूंगी इसमें. थोड़ा सीरियस टॉपिक है पर इसके बारे में कॉन्वर्जेशन शुरू हो यही बड़ी बात होगी. एज क्रिएटर नहीं, ऑफ आई दिस टुक पॉडकास्ट, दिस दिस टॉपिक एज अ परस्पेक्टिव. सीरियसली प्लस इंटरेस्टिंग ऑल्सो, सिर्फ सीरियसली नहीं, मैं तो उल्टा इसमें इंटरेस्टिंग मेरे को लगा, नहीं चलो बाकी का छोड़ के कुछ तो अच्छा टॉपिक, ये भी एक्चुअली एक स्टाइल से इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड मैंने तो इसको पॉजिटिव वे में एंड इंटरेस्टिंग वे में लिया. ये पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस कैसा था तेरा, रिकॉर्ड करने का? ये एंड है अभी, जस्ट ऑडियंस को बताने के लिए, ये एंड है. इसके आगे के कुछ टॉपिक्स है जो हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करेंगे. उसके लिए पार्ट 2 के लिए तुम लोग रुके रहो. पार्ट 1 ही मेरा इतना बेस्ट रहा तो मैं सोच रही हूँ पार्ट 2 में तो और ही नए टॉपिक्स पक्का मैं लेके आऊंगी पार्ट 2 के लिए फॉर श्योर, जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू कि पॉडकास्ट में मुझे तूने बुलाया एंड आई एम सॉरी बिकॉज आई टुक लिटरली व्हेन वी मेट इन विल्सन कॉलेज फ्रॉम डे 1 यू आर सेइंग कि परी आज तो पॉडकास्ट में आ जा, बट मैं कॉन्शियस थी गंदा वाले कि मैं कैसे बोलेगी, उसके वजह से आई वाज हर बार इसकी हर बात मैं टालती थी, नहीं रिदेश आज नहीं कल कल कल, तो कल वो आज आया फाइनली, तो आज फाइनली पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, मुझे अभी पर्सनली लग रहा है कि मैं फालतू में कॉन्शियस हो रही थी, इट वाज अ ग्रेट टॉक विथ यू आई वुड से, एंड आई एम अगेन वेटिंग फॉर पार्ट 2, जल्दी बुला पार्ट, उल्टा मैं जो पहले बोलती थी नहीं 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 मेरे को आज नहीं कल करना है, अभी मैं बोल रही हूँ कि मुझे पार्ट 2 के लिए जल्दी बुला, आई एम रेडी फॉर दैट. एक एंडिंग नोट टाइप बता दे इस एपिसोड के लिए, पार्ट 1 के लिए. ओके तो आई वुड जस्ट से कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पर्सनली पॉडकास्ट का, बट या द टॉपिक वी चूज टुडे वाज इम्पोर्टेंट फॉर सोसाइटी एज वेल एज फॉर एवरी ऑडियंस हु विल बी लिसनिंग योर पॉडकास्ट. तो आई वुड जस्ट से कि अभी मेरे पॉडकास्ट से तो समझ ही आया होगा क्लासिकल का थोड़ा इम्पोर्टेंस, तो प्लीज क्लासिकल को फॉलो करो, मत साइड में रखो, दिस इज माई रियली बिग रिक्वेस्ट टू ऑल द ऑडियंस हु विल बी लिसनिंग दिस पॉडकास्ट. एंड बाकी का तो गेमिंग वगैरह तो वो रोज का रूटीन में तो चलता ही है देखा गया तो, बट
बट या एट एंड आई विल जस्ट से दिस कि अगर आपको भी क्लासिकल का इम्पोर्टेंस समझा तो क्लासिकल को भी आप भी फॉलो करो प्लीज. मुझे सपोर्ट किया तो बहुत ही अच्छा है, अच्छा होगा मेरे लिए. एंड इफ ऑडियंस आर फ्री देन प्लीज डू कम टू गडकरी या फिर बालगंधर्व थिएटर. अभी जो भी फिक्स होगा वो भी मुझे भी नहीं पता, बट मोस्ट प्रोबेबली गडकरी का ही चालू है. ठाणे में आओ देखने को परफॉर्मेंस. जिन जिन लोगों के मैंने नाम लिया इस पॉडकास्ट में, लाइक पंडित बिरजू महाराज या फिर सोनिया परसुरे मैम, उनको जाके कभी तो उनका यूट्यूब पे वीडियो देखो कि देखो उनका स्ट्रगल लाइफ क्या है, इसलिए वो लोग अभी इस लेवल पे है. एंड इसको भी, इसका पॉडकास्ट ऐसे ही सुनते रहो. मेहनत कर रहा है रिदेश इतना. हमेशा कॉलेज में भी पॉडकास्ट के बारे में हम लोग के सब्जेक्ट चालू रहते हैं, तो इसको भी सपोर्ट करो प्लीज. ऑन दैट पॉजिटिव एंड एस्पिरेशनल नोट आज के इस पॉडकास्ट को हम खत्म करते हैं। तुम लोग को सारी यस यस प्रोसीजर मालूम है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, या अपनी मैं फैमिली ये के साथ गेस्ट में शेयर बोलना करो। चाहिए आई गेस, ये मुझे तो लगता है. ना गेस्ट नहीं, नहीं लाइक एज अ प्रथा मैं खुद बोलता हूँ, पर लाइक गेस्ट को ही बोलना है तो आज तू बोल नहीं दे। बट मुझे जितना नहीं बट नहीं ऐसा ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं कि गेस्ट नहीं बोलना चाहिए, बट जितना कि मुझे पता है, जितना हम लोग की कॉलेज में बात होती है पॉडकास्ट के बारे में, हमेशा कि यही रहता है, अरे आज ये करना, अभी इसका क्लब करना, बाकी इसका एडिटिंग. तो वो सुन के मेरे को लग रहा नहीं है एक्चुअली बहुत स्ट्रगल कर रहा है. तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब वगैरह शेयर करो इसके पॉडकास्ट. एक्चुअल में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पे एक पॉडकास्ट करता है. आई एम हैप्पी टू हैव हिम एज अ माई फ्रेंड, जिसपे मैं मेरे लाइक थोड़ा सा थोड़ा ओल्ड कल्चर टॉपिक पे वगैरह बात कर सकूं, बिकॉज ये अकेला है जिसपे मैं अच्छा ही इसके साथ इतना अच्छा बात कर सकती हूँ, लाइक थोड़ा 90s एंड ऑल उस इसमें जाके. वरना बाकी के हम लोग के इसमें हमारी इसमें बात ही नहीं होती एक्चुअल में देखा गया तो. एंड इसने भी एक्सपीरियंस किया होगा एकदम एकदम करेक्ट। एकदम करेक्ट. ये कैसे वाइब बनी हम लोग की आई डोंट नो, बट लकीली एक्चुअली ही इज द ग्रेट टू टॉक एज अ पर्सन ऑल्सो. और हमारी बनती है इस टॉपिक पे, इसमें ही बहुत है और कुछ नहीं चाहिए. प्रथा फॉलो कर दो भाई, अपनी फैमिली लाइक पापा दादा सबको यूट्यूब एकदम, फैमिली मम्मा काकू मावशी सबको एकदम शेयर कर दो, और लाइक जो भी ये पॉडकास्ट है उसको फेमस कर दो। अगर लाइक मतलब ऐसे लाइक कहते हैं लोग कि लाइक अगर फेमस हो गया तो लाइक कैंडो वैसे याद रह जाएगा कि ऐसे छोटे छोटे मेरे अलग लाइक, फीलिंग आता है. वो सक्सेसफुल हुआ हाँ कुछ तो. लाइक छोटे छोटे एफर्ट्स थे उससे ऐसा कुछ बड़ा बन रहा है, लाइक उसमें लोगों ने हेल्प कर दिया, ऐसे लाइक अच्छा लगता है। तो कर दो भाई लाइक उतना कर दो। अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो जाके इसके बारे में अपने स्टेटस पे स्टोरी पे कुछ ना कुछ मस्त से कमेंट्स लिखो। इस यूट्यूब वीडियो पे अगर आप तुम देख रहे हो तो इसके कमेंट सेक्शन में जाके अपना एक अच्छा सा लाइक जो भी तुमको फील होता है एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन बता दो। और कुछ सजेशंस रहेंगे तो मुझे डीएम करो, परिनीता को राइट डीएम करो, हम ओपिनियन दोनों वी आर इम्पोर्टेंट. ऑलवेज ओपन फॉर लाइक एनी यस सजेशन और एनी डेफिनेटली ऑन एनी सजेशन दैट कैन इम्प्रूव लाइक वॉट एवर दैट वी आर डूइंग, लाइक वॉट एवर लिटिल दैट वी आर डूइंग अच्छा रहेगा। लाइक अगर कोई आके बता देता है कि लाइक क्लासिकल ये पे अच्छा, कुछ बुरा बोला तब भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. मैं सुनने को सब तैयार हूँ, बट सिर्फ सपोर्ट करो. दिस इज द मेन पार्ट. जो चाहिए वो बोल सकते हो कभी भी. सो दैट्स ऑल वी गॉट फॉर दिस एपिसोड। अगर ये रात को सुन रहे हो तो एकदम मस्त नींद आएगी तुमको, कन्फर्म बता रहा हूँ। और अगर लाइक एकदम सुबह सुबह सुन रहे हो तो वी विश कि तुम्हारा एक बहुत अच्छा दिन जाए, तुम्हारा एकदम प्रोडक्टिव दिन जाए। एंड हैव अ नाइस डे टिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ऑल्सो बाय बाय.